जिन लोगों को अपनी पढ़ाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ये जूम लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक सेल्फ स्टडी का प्लेटफॉर्म है, एक वर्चुअल लाइब्रेरी की तरह है। सब लोग अपने अपने कुछ टारगेट सेट करके पढ़ाई करते हैं और एग्जाम पास में आ रहा है तो बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, सिटिंग आवर्स मेंटेन नहीं हो पाते, तो यू कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट। हम लोग इसमें कुछ शेड्यूल्स वगैरह भी रन करते हैं, लाइक PT 365 तो डेली दो दो घंटे पढ़ के एक बार कवर भी कर दिया, अभी उसका रिविजन भी चलेगा, मंथली मैगजीन सारी ऑनलाइन, तो टारगेट सेट करके पढ़ाई करते हैं। और अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं प्रीलिम्स 2022 के लिए, तो 100 का टारगेट है वो होने वाला है पूरा। तो ज्वाइन करने के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन में यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन और फिर सारी डिटेल आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्या कुछ है, एवरीथिंग विल बी शेयर विद यू ऑन टेलीग्राम। सोशल इश्यूज़ का टॉपिक नंबर 6.1 है केयर इकोनॉमी। सो रिसेंटली एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया था ILO ने, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, वहाँ पर ये वर्ड निकल के आया था केयर इकोनॉमी। एक्चुअली वर्ड तो पहले भी मेंशन बहुत हो चुका था बट अभी इन्होंने उसको बहुत इंटेंसिवली इसके ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी। तो रिपोर्ट पर जाने से पहले हम लोगों को एक बार ILO के बारे में रिवाइज़ कर लेते हैं। ये स्टैटिक कॉन्टेंट है और बहुत बार रिपीट होता रहता है बट रिविजन से फ़ायदा तो होगा ही। ये तो याद रखिएगा ये 1919 में बनाया गया था। अब जब 1919 में बनता है तो उस टाइम पे आप मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जाने की कोशिश करो कि वहाँ पर और क्या क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर का क्या सीन चल रहा था, कौन से रिफॉर्म्स आ रहे थे, कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट आसपास आ रहे थे, गांधी जी इस टाइम पर कहाँ थे, कौन सी मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेशन चल रही थी, सिविल डिसोबीडियंस चल रही थी, कौन सी चल रही थी इस टाइम के आसपास, तो इस तरीके से मैच करने की कोशिश करो। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी ये वर्ल्ड वॉर वन की ट्रीटी थी और 1919 में जलियांवाले बाग का क्या सीन चल रहा था, रॉलेट एक्ट का क्या सीन चल रहा था, तो उसी टाइम पर ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन भी होता है। ये ओनली ट्रिपार्टाइट UN एजेंसी है, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट, यहाँ एम्प्लॉयज़ और यहाँ वर्कर तीनों एक साथ आते हैं, बट ये सिर्फ 187 कंट्रीज़ के इसमें कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। काम इनका होता है मेन और वीमेन दोनों के लिए ही डिसेंट वर्क को प्रमोट करना। इसके दो में बहुत कन्वेंशन बहुत सारे हैं बट ये दो काफ़ी पॉपुलर हैं और ये रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट। कन्वेंशन नंबर 183 में ये कहता है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट होता है ना, यानी कि आपको जो अगर कोई फीमेल है वो वर्कर है और वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आफ्टर डिलीवरी उनको 14 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए वुमेन को, यानी कि उनको सैलरी वगैरह मिलते रहना चाहिए, कोई सोशल बेनिफिट अगर कोई कंपनी वगैरह प्रोवाइड करती है तो। कन्वेंशन नंबर 156 में उन्होंने कही थी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की थी, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए मेन एंड वीमेन दोनों का ही। अब हम देखते हैं कि केयर इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर भी डेफिनेशंस होती हैं ना इनको ज़रूर याद कर लीजिए, प्रीलिम्स में डेफिनेशंस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। केयर इकोनॉमी का मतलब होता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या फिर कुछ ऐसे रिलेशंस जहाँ पर फिजिकल, साइकोलॉजिकल और जो इमोशनल नीड्स होती है किस किस की, अडल्ट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ओल्ड पीपल, यंग पीपल, फ्रेल एंड द एबल बॉडीड, इन सब की जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है इन सबको मिला करके हम बोलते हैं केयर इकोनॉमी। यानी कि एजुकेशन को भी आप कंसिडर कर लीजिए, हेल्थ को भी, सोशल वर्क को भी, उसमें टीचर्स भी आ गए, नर्सेज भी आ गई, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स भी आ गए, सोशल वर्कर्स भी आ गए, डोमेस्टिक वर्कर्स भी आ गए। तो जो रिपोर्ट थी अब इन्होंने ये देखना चाहता कि हर कंट्री के अपने अपने कुछ नेशनल लॉज बिल्डअप किए हुए हैं, वहाँ पर केयर पॉलिसीज़ को लेकर क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं एंड अकॉर्डिंगली कुछ डेटा प्रेजेंट किया था। केयर पॉलिसीज़ का क्या पैकेज होता है कि आप कुछ नॉलेज बिल्डअप करते हो, डेटा एंड अवेयरनेस क्रिएट करते हो, क्या कॉस्ट लगती है इन केयर पॉलिसीज़ की सर्विसेज़ की, डिज़ाइनिंग कैसे की गई है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है इनका और क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है इनमें, किस तरह के सोशल डायलॉग्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो रिपोर्ट की हाइलाइट्स में ये पता चला है कि इस सर्विसेज में एंड इन सर्विसेज एंड पॉलिसीज़ में काफ़ी लगातार तरीके से और बहुत सारे गैप्स हैं, इंपॉर्टेंट गैप्स हैं। ये ग्रीन कलर, अच्छा मैं रिपीट करता रहता हूँ ये हर वीडियो में, जो ग्रीन कलर का जो मैंने हाईलाइट किया होता है ना इसको तो आप अलग से नोट डाउन करके रख लिया करो, ये तो किसी भी हालत में आप नहीं भूल सकते। बाकी जो कॉन्टेंट है वो आपकी फिर इच्छा पर निर्भर करेगा आप क्या करना चाहते हैं उसका। सो 3 out of every 10 वुमेन, हर 10 में महिलाओं में से 3 महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने ये ILO कन्वेंशन का बेनिफिट नहीं उठा पाते 183 वाले का। 183 वाले में क्या बात की गई थी, 14 वीक्स के मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे आपको, यानी कि हमारे वर्ल्ड में अराउंड 649 मिलियन वीमेन ऐसी हैं जिनको इस, और ये 82 कंट्रीज से हैं, इनको ये 14 वीक्स तक का मिनिमम जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो भी नहीं मिलता है। और इस तरह के मैटरनिटी लीव राइट्स जो हैं इनको एक्चुअल में रियलाइज़ करने में 185 कंट्रीज़ में हमें तकरीबन 46 ईयर्स लग जाएंगे।
लॉन्ग टर्म की जो केयर सर्विसेज होती हैं उसमें ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आप ये भी इंश्योर करो कि ये पर्सन के पास राइट टू हेल्दी एजिंग भी होना चाहिए और वो डिग्निटी में होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट लिविंग में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ मैं आपको दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना, उससे कनेक्टेड एक मेनका गांधी वाला केस है। तो ऐसे बस बता रहा हूँ, आपने पढ़ा तो होगा, उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट की जो स्कोप है ना, उसके बारे में बात की हुई है। जो आपका स्टैटिक कंटेंट है, बस ऐसे ही याद दिला रहा हूँ। तो केयर इकोनॉमी को लेकर इंडिया में अभी तक क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे? तो जो कन्वेंशन नंबर 183 था वो बात करता है 14 वीक्स की, बट इंडिया ऑफर करता है 26 वीक्स का, यानी कि आईएलओ के स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा। पैटर्निटी लीव, ये तो हो गया मदर के लिए। तो पैटर्निटी में क्या होता है, ये जो टॉपिक होगा पैटर्निटी का, लीव का, इस पर कभी मैंने माइंड मैप आप लोगों को यूपीएससी की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि टॉपिक पहले न्यूज़ में था। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, लेकिन इसको लेकर के कोई फॉर्मल पॉलिसी नहीं है, और खासकर कि प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं। बट कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसे मीशो हो गया, ट्विलियो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, रेजर पे वगैरह हो गया, ये प्रोवाइड करती हैं अपनी अपनी कंट्रीज़, अपने अपने एम्प्लॉयज़ को, तो मैक्सिमम 30 वीक्स तक का भी प्रोवाइड कर देती हैं। लेबर ब्यूरो के द्वारा एक ऑल इंडिया सर्वे होता है डोमेस्टिक वर्कर्स का, वहाँ पर उन सब के बारे में कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है, माइग्रेशन वगैरह को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर। ये गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि किस पर्सन को कितने सोशल बेनिफिट डिलीवर हो रहे हैं उन सब का एनालिसिस किया जा सके। देन वी हैव नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली पीपल, इसकी शुरुआत 2010-11 में की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। अच्छा, इन चीज़ों में ना कुछ कुछ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, क्योंकि कभी कभी अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन दे दिया वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ। तो थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा कि किस तरह की स्कीम्स कौन सी मिनिस्ट्री रिवील करती है। इसके अलावा एक यूएन का कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, नेशनल पॉलिसी ऑफ द ओल्डर पर्सन 1999 की, एंड द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 का, इन्हें भी इंडिया में फॉलो किया जाता है। केयर इकोनॉमी को लेकर चैलेंजेस क्या हैं? एक तो मार्जिनलाइजेशन, तो ऐसा नहीं है कि कोई मैकेनिज्म हम लोगों ने जो भी बनाने की कोशिश की थी उस बेसिकली हमने जो कोशिश की थी ना उसको हम फुली रियलाइज कर नहीं पाए। तो हमारे पास प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना कि भारत में कौन कौन ऐसे वर्कर्स होंगे जो केयर इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे, इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं है। अगर हम दूसरे देशों के साथ तुलना करते हैं तो केयर इकोनॉमी पर जितना भी खर्चा हमारा होता है वो हमारी जीडीपी का लेस देन 1% है। सो ये डेटा मैंने इसलिए आपको हाईलाइट करके दिया है, रिपीट कर देता हूँ, दूसरे देशों के मुकाबले में जितना हमारा जीडीपी का एक्सपेंडिचर होता है केयर इकोनॉमी पर वो अराउंड 1% है। फिर एक डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन होता है ऑफ द अनपेड केयर ऑन वुमेन। हमको सबको पता है कि वुमेन जो होती हैं वो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ के मामले में उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेन। तो इसको लेकर भी एक प्रपोजल है कि इस चीज़ को हमने फॉर्मल इकोनॉमी में इसको मेंशन या फिर आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। फिर जो पॉलिसीज ऑलरेडी बनाई गई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। 2017 में मेटर्निटी एक्ट बनाया गया था जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को क्रेश फैसिलिटीज़ मिलती थी विद ए प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस। क्रेश फैसिलिटीज़ में क्या होता है, जो मदर या फिर इवन जो फादर्स भी होते हैं ना, तो उनका जो छोटा बच्चा होता है ना उसकी केयरिंग के लिए एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक कह सकते हो कॉर्नर एस्टैब्लिश कर दिया जाता है जहाँ पर छोटे बच्चों की केयर की जाती है। जैसे कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी करना होता है, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन क्रिएट कर दिया जाता है, इनको क्रेश फैसिलिटीज़ बोलते हैं। एक सर्वे किया गया था 2019 में, वहाँ पता चला था कि सिर्फ 49% एम्प्लॉयर्स ही ऐसे हैं जहाँ पर वो काम करते हैं उनको वहाँ पर क्रेश फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती है। मैंने पहली बार ये फैसिलिटी नोटिस की थी, मैं कहाँ गया था, केरला गया था ना, तब केरला में हम लोग आई थिंक वहाँ से गए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी जगह थी, आई थिंक एयरपोर्ट के पास था शायद, तो उधर ये फैसिलिटी बहुत प्रोवाइड की, तो मैंने वहाँ पहली बार देखा था कि अच्छा इस तरह की फैसिलिटीज़ को इस तरीके से बिल्डअप किया जाता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि कंट्री में हर जगह अवेलेबल करवाई जाए। एक और चैलेंज है वो है इनएडिक्वेट पेमेंट टू द केयर वर्कर्स। अब केयर वर्कर्स जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं और ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स होती हैं और आशा वर्कर्स जो होते हैं, इन्हें हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ एज वर्कर्स बहुत सारे स्टेट्स में। सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट थी, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को इस चीज़ के बारे में बोला था कि इनका वेज थ्रेशहोल्ड डिटरमाइन किए जाएँ। अब ये वेज थ्रेशहोल्ड क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ पॉलिसी कह सकते हो आप वेज थ्रेशहोल्ड को, जहाँ पर इनके कितना वेज मिलना चाहिए, इनको मिनिमम इतना मिलना ही चाहिए और मैक्सिमम ही आके दे सकते हैं, और वो बेस्ड होता है इन्फ्लेशन के ऊपर।
वेज थ्रेशोल्ड को ना इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाता है उसमें। तो मिनिस्ट्री को ऐसा बोला गया है कि भाई आप इस चीज़ पर काम कीजिए, हमारे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स केयर वर्कर्स हैं इन्हें ये फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवाइए। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करता है, क्योंकि इसके कारण बर्डन जो होता है ना विमेन एंड चिल्ड्रन पर वो इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। और अभी डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन देखो कोविड का जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ था इसमें भी मैक्सिमम जो सफरिंग हुई थी वो विमेन एंड चिल्ड्रन को ही हुई थी, मेन को भी हुई थी बट विमेन एंड चिल्ड्रन को ज़्यादा हुई थी। सो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहला काम हम लोगों ने कहा था ना कि हमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, तो हमको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि पहले कौन होंगे, कौन कौन वो लोग होंगे जो केयर इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे। वंस द आइडेंटिफिकेशन पार्ट इज़ डन, उसके बाद वी कैन कम अप विद द मैकेनिज्म। फिर आफ्टर दिस आइडेंटिफिकेशन हमें उनको कुछ जॉब कार्ड्स अलॉट करने की रिक्वायरमेंट है। जॉब कार्ड्स से उनको बेनिफिट्स मिल पाएंगे, जो भी सोशल बेनिफिट्स उन्हें प्रोवाइड किए जा सकते हैं। उसके बाद इनको फॉर्मलाइजेशन पे भी काम करना पड़ेगा हमें। फॉर्मलाइजेशन का मतलब भारत के अंदर, ये डेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, विमेन का जो अनपेड वर्क होता है ना उसकी वैल्यू अराउंड 3.1% ऑफ GDP है हमारे। अब हमारी GDP अराउंड कुछ 2.7 से 8 ट्रिलियन के बीच, मान लो चलो 2.7 ट्रिलियन के आसपास मान लेते हैं, तो इसका फिर 3.3% निकाल लो अब आप, तो इतना अमाउंट होता है वो हमारे विमेन का अनपेड वर्क में जाता है। सो ये महत्वपूर्ण डेटा है, इसको याद रखिएगा। विमेन सेंसिटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो एक एनालिसिस किया गया था 2019 में विमेन्स बजट ग्रुप के द्वारा, तो वहाँ ये पता चला था कि अगर हम एडिशनल 2% अपनी GDP में इन्वेस्ट करेंगे ना इंडिया के हेल्थ और केयर सेक्टर में, तो उसके थ्रू हमको 11 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, हम जनरेट कर पाएंगे, और उस 11 मिलियन का ऑलमोस्ट 1/3 जो होगा वो विमेन को जाएगा। सो ये आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर आप वे फॉरवर्ड में अगर इस पॉइंट को लिखेंगे ना तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी इन कंपैरिजन टू अदर पॉइंट्स। अच्छा, वे फॉरवर्ड जब भी लिखें तो ध्यान रखें कि चैलेंजेस अगर आपको याद हो जाते हैं ना, तो चैलेंजेस को आप कन्वर्ट करके वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, वो आसान हो जाता है बहुत। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट बहुत सारे सेक्शंस में हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, सोशल वेलफेयर में हो सकता है, इवन साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत है। फिर हमको चाइल्ड केयर लीव को जेंडर न्यूट्रल बनाने की ज़रूरत है। कंट्री के अंदर जो विमेन एम्प्लॉयज़ होती हैं या फिर जो मेल एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो खासकर सिंगल मेल पेरेंट भी होते हैं, उनको मतलब उनका जो माइनर चाइल्ड होता है ना, माइनर चाइल्ड का मतलब होता है बिलो दी 18 ईयर्स ऑफ एज, उसके लिए पूरी सर्विस में उनको 730 days मिलते हैं। यानी कि अब 730 days का कितना बनेगा, 2 साल बन जाएंगे ना, 365 के हिसाब से अगर आइडिया लगाते हैं तो 2 साल तक का उनको चाइल्ड केयर लीव मिलता है, यानी कि छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिए उनको छुट्टी मिलती है। अब प्रॉब्लम ये है कि मोर देन जो 80% इंडियन वुमेन है ना, वो ये बिलीव करते हैं कि चाइल्ड की केयर के लिए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की होती है, तो हमको इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की ज़रूरत है। हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये जिम्मेदारी सिर्फ माता की ही होती है, इसमें पिता का योगदान होना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सो इस टॉपिक में ना कुछ डेटाज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे, कन्वेंशन 183 क्या है, 156 क्या है, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, रिपोर्ट्स क्या क्या होती हैं ILO की, और 3 out of 10 वीमेन जो होती हैं उनको अभी तक ये कन्वेंशन 183 का बेनिफिट नहीं मिला है। केयर इकोनॉमी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे। मेटर्निटी लीव इंडिया में 26 वीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 14 वीक्स का है। पेटर्निटी लीव का कोई पॉलिसी नहीं है बट 15 डेज तक की मिल जाती है। एक डोमेस्टिक सर्वे भी होता है, फिर नेशनल प्रोग्राम है, उसके बाद पब्लिक का एक्सपेंडिचर जो केयर इकोनॉमी का है वो लेस देन 1% है हमारा, और विमेंस का अनपेड वर्क की वैल्यू अराउंड 3.1% है GDP की, और एडिशनल 2% अगर GDP में लगाएंगे तो 11 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर लेंगे और उसमें से अराउंड 1/3 विमेन को चले जाएगी। सो ये आप याद रखिएगा। UPSC की हैंडी बुकलेट में आपको जो भी कंटेंट मिलेगा उसमें ये सब प्रीमियम कंटेंट है, और इसके साथ में ये वाला सब फ्री कंटेंट भी आपको मिलेगा। तो मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा यहाँ पर सैंपल में, तो थोड़ा देख लेना, देखने के बाद आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। 700 से ज़्यादा माइंड मैप्स हैं, 400 से ऊपर मेंस के क्वेश्चनर हैं, 200 से ऊपर निमोनिक्स हैं, मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको अभी। 100 से ऊपर कोट्स हैं, आंसर राइटिंग की एक चेकलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल है, डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक ग्राफ फॉर्मेट है, टॉपर्स का कुछ डेटा है अपनी खुद की स्ट्रेटजी को प्लान करने के लिए, 7 शेड्यूल के कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, 400 से ऊपर आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर है 2021 तक ईयर वाइज टॉपिक वाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, टेक्निक्स हैं रिवीजन पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट है। तो मैं आपको हर एक चीज़ दिखा देता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड मैप्स। तो आपको 700 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सेप्टेम्बर 2020 से लेकर के, और हर मंथ के अकॉर्डिंगली इसमें स्टैटिक भी है और इसमें वो
करंट अफेयर्स के भी हैं। और ये जो कंटेंट है ना माइंड मैप्स का, ये जो हमारा संसद टीवी में आता है और जो मेजर न्यूज़पेपर में जो मेजर आर्टिकल्स होते हैं, मेजर योजना कुरुक्षेत्र में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, जो भी टॉप के आर्टिकल्स होते हैं ना वो सब होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि सपोज़ करते हैं ये टॉपिक आपके सामने आपको दिख रहे हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट, आधार रिपोर्ट, नैम के बारे में हो गया, अमरावती स्कूल, एंशियंट पोर्ट, तो इसमें स्टैटिक भी है और इसमें करंट अफेयर, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया तो इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इनिशिएटिव्स क्या हैं, ब्रांचेस क्या क्या हो सकती हैं। तो मैं कुछ कुछ आपको खोल के दिखा देता हूँ, बाकी आप नाम देख लो, सारे खोल के दिखाऊंगा तो प्रमोशनल वीडियो है ना। चंपारण सत्याग्रह हो गया, कार्नेटिक वॉर्स हो गया, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का ही हो गया मान लो, है ना। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, चैलेंजेस क्या हैं, डेफिनेशन, नीड, थ्रेट्स क्या हैं चाइना से लेकर के, ग्लोबल वैल्यू चेन, गांधार स्कूल, गगनयान का ही हो गया, न्यूज़ में रहता है हर बार, फिर हिंदुस्तानी म्यूज़िक हो, जैसे ये इंटरनेशनल रिलेशन का तो सारा ही है, लाइक अफगानिस्तान, भूटान आपके सामने ही है, ये सारे के सारे, ये अफगानिस्तान है, ये भूटान, बांग्लादेश, चाइना के साथ, मालदीव्स के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, सो ऐसे बहुत सारे हैं। मैं आपको बस नाम देख सकते हो, मैरिज एक्ट को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, लाला लाजपत राय को, तो आप देख रहे हो करंट अफेयर्स और स्टैटिक हर तरह के आपके एग्जाम में हर जगह काम आएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर के माइंड मैप है बहुत अच्छा, ओशन डी ऑक्सीजनेशन हो गया, पैंडमिक रिस्क पूल हो गया, FDI पॉलिसीज़ हो गया, सीड इनसिक्योरिटी, सी लेवल राइज हो रहा है, एनवायरनमेंट के टॉपिक्स भी है, तो टॉपिक सारे कवर है, GS 1, 2, 3, इवन आपको एथिक्स के टॉपिक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को, फार्मर्स के एक्ट आए थे, वॉर्स क्या क्या हुए थे ब्रिटिशर्स के साथ, कौन से ईयर्स में, तो हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से फॉर्मेट में माइंड मैप में, ताकि ये आपके लिए याद करना ईजी रहे। और ये 700 से ज़्यादा है। तो अगर मैं आपको रिसेंट का ही कुछ दिखाऊं तो डेटा सेंटर्स का टॉपिक हमारा न्यूज़ में था, उसके क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर के क्या कुछ होता है, ये सब न्यूज़ में रिसेंट में थे बिल्कुल 2022 में ही। स्पेस में वेपनाइजेशन की बात कर लेते हैं, मेंस 2021 में मोर देन 20 क्वेश्चन आए थे जो इन ये जो माइंड मैप्स हैं इनसे कवर हो पा रहे थे बहुत ईजिली आराम से। गति शक्ति हो गया, गेमिंग डिसऑर्डर हो गया, इंडिया सेंट्रल एशिया हो गया, और हमारा कलमकारी पेंटिंग्स हो गया, नोबेल प्राइज़ वगैरह हो गए, वेस्ट टू वेल्थ हो गया, फायर रिस्क हो गया, रोड सेफ्टी हो गया, एवरी टॉपिक, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इज़ कवर्ड। 800 टच हो जाएंगे इसमें मार्च, अभी आपको फरवरी 2022 तक दिख रहा है, जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मार्च 2022 वालों पर भी काम चल रहा है, तो वो भी पीछे से इसमें अपलोड हो जाएंगे जब आप देखेंगे। तो इसके अलावा अगर मैं आपको देखना चाहूँ तो जैसे निमोनिक्स होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को याद करने में हेल्प करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हैं निमोनिक्स के, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, प्रीएम्बल, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और सिटीजनशिप को लेकर के, आर्टिकल नंबर, सोर्सेज को लेकर के, ये तो मतलब ये इंडेक्स है सामने जो दिख रहा है ना आपको, ये इन सब के हैं, रिवर्स एंड डैम के प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के भी, ये देखो इन सब को याद करने के निमोनिक्स हैं, और कुछ रैंडम भी हैं, तो ये सब निमोनिक्स हैं यहाँ पर ग्रीन में अभी जो भी लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स वगैरह के, और ये मोर देन 80 पेजेस का कंटेंट है, तो अलग अलग चीज़ों के हैं, आप उनको अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको याद है उसकी ज़रूरत नहीं है, जो नहीं है उनमें आप हेल्प ले सकते हो। 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं। अब आंसर राइटिंग करते वक्त जैसे आपके सामने आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ड्यूअल बर्डन, RSSS3 यूज़ करना होता है, रिलायबल, सेफ, सस्टेनेबल, इस तरह के कीवर्ड्स आप एग्जाम में यूज़ करके लिख सकते हैं। आपको रोड लिखना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन, GS4 में बहुत अच्छे से ये यूज़ हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे वर्टिक आप शॉर्ट में लिख दोगे, वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है ना, गुड गवर्नेंस टू इफेक्टिव गवर्नेंस, तो 3G आप लिख सकते हो, जैसे कि गुड फॉर यू, गुड फॉर प्लैनेट एंड गुड फॉर प्रोड्यूसर, अभी एनवायरनमेंट में यूज़ हो सकता है। ऐसे 400 से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। एक दो आपको मैं और छोटे छोटे एग्जांपल दिखा देता हूँ क्विकली, जैसे पेपर डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो गया, सबका सॉफ्ट प्लस हार्ड पावर इज इक्वल टू स्मार्ट पावर हो गया। अब 5F की बात करते हैं, फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल, फाइन केमिकल्स, तो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से आप इनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। 3D की बात करें तो डायलॉग, डिलिब्रेशन, डिस्कशन, ये बहुत हेल्पफुल है आंसर राइटिंग के लिए। डेली प्रोग्रेस चेकर जो होता है ना, ये जब आप डाउनलोड करोगे तो इस फोल्डर में आपको एक ऑडियो भी मिल जाएगा एक्सप्लेन करते हुए इसको यूज़ कैसे करना होता है। तो इसमें कुछ इस तरीके से काम होगा कि यहाँ पर आप अपना टास्क लिखेंगे, उस टास्क में क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपने अपना पॉलिटी का कोई टास्क लिखा और आपको लिखना होगा मुझे इसमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, अपना खुद का टारगेट सेट करो, 5 दिन का करना है, 3 दिन का, ये अपने अकॉर्डिंगली आपको करना है, ये आपको फ्रीडम दी होगी, एक्सेल शीट मिलेगी, आप अपने हिसाब इसको भरिए, एक फॉर्मेट मिलेगा। फिर डे वन में अपने आप मैक्सिमम मार्क्स दिए अपने आप को 10, और उसमें आप ऐड करो, अगर आपने पूरा काम कर दिया तो खुद को 10 दे दो, आधा काम किया हो तो खुद को 5 दे दो, थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो 7 दे दो, फिर एंड में ना आपको पर डे की परसेंटेज मिल जाएगी और अकॉर्डिंगली ही एवरेज परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक उसमें एड ऑन होती रहेगी। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर फिर आपके दो तरह के ग्राफ जनरेट हो जाएंगे, लाइक इस दिन आपने इतना काम किया था, इस दिन आपने इतना काम किया था, और एक आपका लाइन वाला ग्राफ जनरेट हो जाएगा,
कि भाई इस दिन आपने इतना काम किया, इस दिन आपने इतना काम किया, तो आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। ये आपको एक्सेल शीट में मिलेगा और जिस फोल्डर में आप डाउनलोड करोगे ना, वहाँ पर एक ऑडियो होगा हाउ टू यूज़, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप वहाँ से आसानी से यूज़ कर पाओगे। ये टॉपर्स की लिस्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 से लेकर के हर एक किस किस में कितने कितने मार्क्स हैं, उनके ग्राफ्स हैं, इनको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, लाइक एक एक सिंगल सिंगल टॉपर ने किस किस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे परफॉर्म किया है। आप देखो कि इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है किस ईयर के अंदर, और कौन से पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लोग आते हैं, किस किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में कितने सिलेक्शन हो रहे हैं, किस ऑप्शनल में सिलेक्शन रेट कितना हाई चल रहा है, कितना लो चल रहा है ना। इससे क्या हो सकता है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो या फिर आप कर रहे होते हो ना, तो आपको ना एक आइडिया लग जाता है कि यार मेरी प्रिपरेशन में ना मुझे इस तरह का ट्रैक लेना चाहिए, यहाँ पर स्कोप ज़्यादा है। तो ये बहुत सारा डेटा है और अच्छा है, काफ़ी यूज़फुल है, ये आगे फर्दर अपडेट भी होता रहेगा, तो आप इसको यूज़ करके अपनी स्ट्रेटजी में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। ये है रेपिटेशन पाइपलाइन। आपको अगर अपना कुछ रिवीजन करना हुआ ना, तो आपको बस इसमें सिंपली ये जो टॉपिक ए बी सी कलर में दिख रहा है ना, तो आपको कंट्रोल एफ से टॉपिक ए फाइंड करना है, टॉपिक ए को रिप्लेस कर देना है, फिर टॉपिक ए में आप कुछ लिख सकते हो। आप मान लो पॉलिटी का मुझे फंडामेंटल राइट करना है, तो आप जैसे करोगे, तो यानी कि सेकंड डे में आपको टॉपिक ए आपने सुबह के टाइम किया था, फिर उसको नून टाइम में और रात को करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी शीट में वो चेंज हो जाएगा। तो ये एक बार आपको एडिट कर देना है, फिर आपको ना डेली उसको देखते रहना है, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा मुझे कल ये किया था तो मुझे परसों रिवाइज करना है। तो उसको रिपीट करने के लिए एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो, ये आपको रिमाइंडर की तरह बहुत अच्छा काम करेगा। जब आप डाउनलोड करोगे तो जिस फोल्डर में होगा उसी में एक ऑडियो भी होगी, वो आपको प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन कर देगी कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। अभी मैं हिंट दिखा रहा हूँ, ये मेंस के क्वेश्चनेयर है, काइंड ऑफ अ मेंस की टेस्ट सीरीज़ है। ये कुछ क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी होती है, कंपेयर, कंट्रास्ट, क्रिटिकल एनालाइजिंग के मीनिंग वगैरह, और जीएस 1, 2, 3, 4 के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। आप इनको पढ़ के चाहे वर्बली इनके आंसर दो या फिर आप लिख के आंसर दो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट देने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर इन क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया गया कि कीवर्ड चेंज करके अगर ये क्वेश्चन आ जाता या फिर ये टॉपिक पहले इस तरीके से आता तो दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये फिर मेंस के पेपर हैं, ये टॉपिक वाइज हैं, और उसके बाद ये मेंस के पेपर हैं, ये ईयर वाइज हैं। तो आप देखोगे तो 1999 से लेकर 2021 तक के सब कुछ कवर किया हुआ है। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन सबको अरेंज किया हुआ ताकि आप पॉलिटी में अगर आपको कुछ याद करने में प्रॉब्लम हो तो आप बहुत इजीली, वैसे आप गूगल करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना वो बहुत ही टिपिकल सा डॉक्यूमेंट आता है, यहाँ पर सबको बहुत इजीली अरेंज करके शॉर्ट में ताकि आपको ये याद रहे कि यार इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर पार्ट में, शेड्यूल में ये सब मेंशन है, ईजिली हो जाएगा। ये कुछ कोट्स हैं, आप एसए में यूज़ करो, एथिक्स में यूज़ करो। अब इसकी बेनिफिट ये है कि आपको वैसे भी मिल जाते हैं, बट मैंने यहाँ पर एक चीज़ कैटेगराइज की, मैंने बहुत शॉर्ट वाली कोट्स को यूज़ करने की कोशिश की है, लाइक विजडम एंड ट्रूथ में आप देखोगे फिफ्थ वाली, एंग्री पीपल आर नॉट ऑलवेज वाइज, इसको याद करना ईजी है। कभी कभी हमको बहुत बड़े बड़े कोट्स मिल जाते हैं, इसमें भी देखो कुछ बड़े कोट्स हैं बट साथ में देखोगे आपको छोटे कोट्स भी, तो आप जब कंपैरिजन करते हो ना तो आप छोटे वाले को लिखोगे, सडनली आपकी अटेंशन चली जाएगी, आपका ब्रेन उसको बहुत अच्छे से रजिस्टर करेगा, तो छोटा रखने के लिए छोटी कोट्स याद हो जाती हैं, इसलिए इसको बनाया गया है। तो कैटेगरी में है, ये टॉपिक वाइज है, और उसके बाद ये ऑथर वाइज है, यानी कि इस ऑथर की महात्मा गांधी जी की सारी है। अब महात्मा गांधी जी की आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हो कि मुझे ये दो याद रखनी है, ये मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। अम्बेडकर जी, एरिस्टोटल, विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध वगैरह करके, लूथर किंग वगैरह एट्सेट्रा से बहुत सारी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बुकलेट में, और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी, है ना, जैसे सेवन शेड्यूल वाला हो गया, और उसके साथ में हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह हो गई, और आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट हो गई। ये दो चार चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं है, वो आप जब डाउनलोड करते हो तो फोल्डर में आपको साथ में मिल जाती हैं। ऑल इन वन यूपीएससी हैंड बुकलेट को आपको जब डाउनलोड करना होगा तो जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको डाउनलोड का लिंक मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये जो सामने पेज दिख रहा है ना, आप इस पेज पर आ जाओगे, तो आपको ये रेड में दिख रहा है 398 का, ये है, इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, सारे कमेंट जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। अगर आपको लगे कि मुझे सारा कंटेंट नहीं खरीदना है, कुछ चीज़ें की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने अलग से सेपरेट भी बना रखे हैं, लाइक माइंड मैप्स अलग से चाहिए हो, या फिर निमोनिक्स चाहिए हो, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स, कोर्स वगैरह, टाइमलाइन वगैरह, या फिर आंसर राइटिंग का वो रिपीटेशन पाइपलाइन, प्रोग्रेस ट्रैकर, आंसर राइटिंग चेकलिस्ट, कीवर्ड्स वगैरह चाहिए हो, तो आप अलग से भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 50% का जो कोड है ना, यूपीएससी 50 का, ये अब कुछ टाइम तक लिमिटेड है, फिर ये चेंज होने वाला है, और ये जो अमाउंट है ना ये भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किया था, अभी चेंज होने वाला है क्योंकि कंटेंट बढ़ चुका है। तो ये जो 50% डिस्काउंट कोड है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अप्लाई होगा, इंडिविजुअल वालों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई करते ही 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ईमेल पर आपका ये पीडीएफ जाएगा,
ठीक है। और ये पीडीएफ आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन उसमें आपको करना क्या होता है, जब आपको पीडीएफ से डाउनलोड कर लोगे ना, तो उसको जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लाइक आपने जिस डेट को परचेज़ किया, तो उस डेट के परचेज़ से 7 दिन तक वो लिंक आपके पास एक्टिव रहेगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने डिवाइस में सेव कर लीजिए, अपना बैकअप क्रिएट कर लीजिए, वो हमेशा आपके पास रहेगा कॉन्टेंट। 7 डेज़ के बाद ना वो लिंक डिसेबल हो जाएगा, लेकिन वो आप अपने पास परमानेंट रख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट, ये कॉन्टेंट आपका हमेशा के लिए हो चुका है। अपडेट्स की बात ये है कि अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, क्योंकि प्राइस बहुत कम है, इतने से प्राइस में आपको बहुत लॉन्ग टर्म के अपडेट की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है, है ना। तो अगर तो कोई अपडेट जनरेट हुआ, तो वो आपकी डेट ऑफ परचेज से और अगले 3 महीने तक के बीच में अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर हो जाएगा। उसके नोटिफिकेशंस टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पता चलता रहे कि यार अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और एडमिन से कॉन्टैक्ट करने के लिए भी टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करो, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एडमिन का यूजर नेम है, यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन ऑल्सो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू। 6.2 टॉपिक है हमारे पास, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अभी रिसेंटली WHO के द्वारा एक स्टडी की गई थी, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि सिटीजन्स को सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर को एक्सेस करने में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ को फेस करना पड़ रहा है। सो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स SRHR, इसमें क्या क्या होता है कि आपको कैसे एक्सेस मिल पा रहा है, कैसे आपको उसकी केयर मिल पा रही है, कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कितनी ऑटोनमी है डिसीजन मेकिंग में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये यूनिवर्सल भी हैं, ये इंडिविजुअल भी हैं और ये अनडिनाइबल भी हैं। सेक्सुअल राइट्स में होता है, यू हैव द राइट टू हैव सेक्सुअल एजुकेशन, फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एंड कोअर्जन, यानी कि फोर्स नहीं कर सकता कोई आपको। रिप्रोडक्टिव राइट्स में ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि बर्थ कंट्रोल, एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल एंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स। SRHR डील करता है हर तरह के वॉयलेशन, जैसे कि एलिमिनेट करना फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो FGM होता है, एंड फोर्स्ड स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि द मेक द पर्सन इनफर्टाइल, लाइक अब आप परमानेंट, एक तो देखो इनमें डिफरेंस है कॉन्ट्रासेप्शन में एंड स्टरलाइजेशन में। कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जैसे कॉन्डम्स वगैरह होते हैं ना, ये कॉन्ट्रासेप्शन में काउंट होगा। बट स्टरलाइजेशन का मतलब आएगा जैसे कि जो होता है ना वेस्किटॉमी, लाइक नसबंदी वाला, कि अब आपकी वो एबिलिटी ही नहीं है, लाइक यू कैनॉट रिप्रोड्यूस नाउ, देयर इज अ डिफरेंस। FGM क्या होता है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक प्रोसेस होता है, ये एक्चुअली जो शिया मुस्लिम है, जो बोहरा कम्युनिटी है ना, वो इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसको स्पेशली मेंशन किया था कि ये जो पूरा का पूरा इशू है ना, ये पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए होता है ना। तो जो बहुत ही यंग फीमेल चाइल्ड होते हैं ना, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, उसको एक तरीके से इनसेंसिटिव करने की कोशिश की जाती है। मतलब जो बिलीफ था ना बोहरा कम्युनिटी का, वो बिलीफ ये था कि जो बच्चे जो छोटी लड़कियां होती हैं ना, उनको बचपन से अगर वहाँ पर ये इसका म्यूटिलेशन कर दोगे तो उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स क्रिएट नहीं होंगे, तो ये ऐसा बिलीफ था। बट अब तो ये मोस्टली कंट्रीज़ में बैन ही हो चुका है, और बट ये इंडिया में एक जगह कुछ जगह पर प्रैक्टिस किया जाता है, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी कंसर्न दिखाए थे। तो ये एक काइंड ऑफ वॉयलेशन है अगेन विद द फीमेल्स, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल एंड जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हैं, ये इंडिया में इनका क्या सीन चलता है। तो इंडिया ऐसा पहला देश है जिसने एक कानूनी, एक मतलब ऐसी नीति यानी कि लीगल पॉलिसी बनाई है, जहाँ पर हमको अबॉर्शन के एंड कॉन्ट्रासेप्शन के राइट्स की गारंटी दी जाती है। लाइक हम वी कैन एक्सेस अबॉर्शन, वी कैन एक्सेस कॉन्ट्रासेप्शन, और हमारे पास एक लीगल पॉलिसी है, एक कानूनी प्रावधान है हमारे पास। इंडिया में हाईएस्ट नंबर के मैटरनल डेथ्स भी होते हैं वर्ल्ड वाइड में, और उसमें से एक बहुत मेजर जो रीज़न निकल के आता है वो होता है अनसेफ अबॉर्शंस। अबॉर्शंस के लिए हिंदी में अगर जैसे कहते हैं ना कि बच्चा गिरा देना, लाइक यू डू नॉट वांट टू हैव द चाइल्ड, सो यू टेक सर्टेन, यू फॉलो सर्टेन मेथड्स जिससे कि वो बच्चे का जन्म ना हो, उसे अबॉर्शन ही बोलते हैं। लेकिन उसके भी ना कुछ तरीके होते हैं, सेफ अनसेफ, और इसको लेकर हमारे पास गवर्नमेंट ने एक्ट भी है कि इतने टाइम पीरियड तक अगर आप अबॉर्शन करवाएंगे तो वो सेफ रहेगा, इसके बियॉन्ड आप करवाएंगे तो वो सेफ नहीं होता है। तो उसमें छोटे बच्चे का नुकसान तो होता ही, क्योंकि अबॉर्शन में तो डेफिनेटली यू डू नॉट वांट द चाइल्ड टू टेक बर्थ, बट जो फीमेल होती है ना, उनकी हेल्थ को बहुत नुकसान हो जाता है, उसी कारण मैटरनल डेथ्स भी हो जाती हैं। तो मेजरली अनसेफ अबॉर्शंस के कारण ऐसा होता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि भाई हमारे पास लॉफुल अबॉर्शन केयर अवेलेबल है, और ये काफ़ी परवेसिव भी, यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है पूरे देश में। हमारी बहुत सारी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बात की जाती है, लेकिन ये लार्जली फोकस करती हैं स्टरलाइजेशन के ऊपर, रादर देन कॉन्ट्रासेप्शन।
मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना स्टरलाइजेशन और कॉन्ट्रसेप्शन में. कॉन्ट्रसेप्शन का मतलब है कि यू हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बट यू आर टेकिंग सर्टेन बर्थ कंट्रोल्स. लेकिन स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि आपकी एबिलिटी जो होती है ना टू रिप्रोड्यूस उसे ख़त्म कर दिया जाता है. टू इट मेक्स यू इनफर्टाइल. जैसे जो नसबंदी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें यही करते हैं. लाइक नाउ यू कैनॉट हैव यू कैनॉट बेयर चाइल्ड नाउ. अब वो फ्यूजन वाला प्रोसेस हो नहीं पाएगा. तो डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन राइट्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो रिप्रोडक्टिव राइट्स के साथ कनेक्टेड होती हैं. जैसे राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, राइट टू एंजॉय बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, राइट टू प्रिवेसी एंड टू मैरिज एंड फैमिली लाइफ. ये सब राइट्स हैं, अधिकार हैं, आपको अवेलेबल होते हैं. SRHR की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 हैं. और 2015 से लेकर 2030 तक का हमारा टारगेट है. इंडिया में नीति आयोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो अभी टाइम आने वाला है, बस कितना रह गया, 2022 तो आ गया, 2030 में, और इस पर बहुत समय से काम चल रहा है. तो जेंडर इक्वालिटी हो गया, वेमेन का वेलबींग हो गया, एजुकेशन, हंगर, पॉवर्टी, इस तरह के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. तो SRHR को अवेल करवाने से, इन्फोर्स कराने से हम ये भी मेंशन, ये भी मतलब इंश्योर करते हैं कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी फुलफिल किया जाए. फिर ये अपहोल्ड करता है पीपल्स राइट टू गवर्न देयर बॉडीज. यानी कि इस तरह की कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, फोर्सफुल तो कुछ नहीं करवाया जा रहा है, वहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है. बहुत क्रूशियल है फॉर द यंग पीपल कि जैसे अबॉर्शन का ही केस हो गया तो सेफ अबॉर्शन के जो पैटर्न्स अवेलेबल हैं उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यंग पीपल को अवेयर करना इसमें एक मेजर स्टेप होगा. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इन राइट्स के बारे में पता हो. विमेन एम्पावरमेंट जाहिर सी बात है, और ये एसेंशियल पार्ट है यूनिवर्सल हेल्थ केयर का. ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज इस कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं कि उनकी पॉपुलेशन को ड्यूरिंग द लाइफ कोर्स, इन्फेंसी के टाइम पर, एडोलसेंस के टाइम पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो. ब्रॉड मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे इन राइट्स को रियलाइज़ करने से, एंड कुछ और भी बेनिफिट्स मिलेंगे. यानी कि लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, जैसे HIV एड्स वगैरह को स्प्रेड करने से प्रिवेंट करेगा. जेंडर इक्वालिटी में एनकरेजमेंट मिलेगा, और बहुत हद तक पॉपुलेशन ग्रोथ को भी हम स्टेबलाइज़ कर पाएंगे, एंड पॉवर्टी को भी रिड्यूस करने में मदद मिलेगी. सारे के सारे जनरल पॉइंट्स हैं लेकिन अच्छे पॉइंट्स हैं. तो SRHR में इसको एनफोर्स, रियलाइज और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी होते हैं. जैसे कि बैरियर्स हैं, कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं, हमारी कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ स्टिग्मा होता है. यानी कि स्टिग्मा का अर्थ क्या ही हो गया, जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ स्टिग्मा का मतलब, हाँ कोरोना वाला था ना स्टिग्मा, वही कि ये जो डॉक्टर्स वगैरह वैक्सीन जो दे रहे हैं, इस वैक्सीन में तो कोरोना वायरस ही है, ये तो फैला रहे हैं, या फिर कोरोना वायरस जो है, मतलब अनअवेयर जो लोग होते हैं ना, जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, मोस्टली लिटरेट हो सकते हैं बट एजुकेटेड नहीं होते. देयर इज़ अ डिफरेंस बीइंग इन बिटवीन बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग लिटरेट. तो लिटरेसी रेट तो हमारे कंट्री में बहुत हाई है, एजुकेशन का रेट बहुत कम है. और एजुकेशन को मेजर करने के लिए कोई सर्वे भी नहीं है हमारे पास. तो ऐसे लोगों के बीच में ना ये स्टिग्मा फैल जाता है कि यार उनको एक डर सा फैल जाता है कि अरे नहीं नहीं वैक्सीन मत लगाओ भाई, ये तुमको नुकसान कर देगी. और ऐसा सिर्फ एक वैक्सीन का नहीं है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि रिसेंट में था और ये वर्ल्ड वाइड था तो आपको आइडिया लगेगा. ऐसे बहुत सारे स्टिग्मा होते हैं. जैसे मैं आपको अपने घर का पर्सनल बताऊँ ना, अगर मतलब मेरी मम्मी के लाइक लेफ्ट ईयर में ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट करा रहे थे बट ठीक नहीं हो पा रहा था. बट मेरी मदर को एक स्टिग्मा था कि नहीं वो ऑपरेशन, वो MRI स्कैन करते हैं ना तो ऑपरेशन करते हैं उसमें, और वो क्या कहते हैं नुकसान कर देंगे मेरा, उससे मुझे कैंसर हो जाएगा. तो शी हैड द स्टिग्मा, क्योंकि मेरा जो बचपन है वो पूरा का पूरा रूरल बैकग्राउंड में गुजरा है और मेरे माँ बाप रूरल बैकग्राउंड के थे ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि नहीं ये कुछ बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं, इनसे ट्रीटमेंट हो सकता है. तो उनको एक स्टिग्मा रहता है कि नहीं नहीं यार ये बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर डाल देते हैं, पता नहीं क्या नुकसान कर देंगे. सो दिस थिंग हैपन्स. इस तरह के स्टिग्मास सेक्सुअल राइट वगैरह को लेकर भी होते हैं. फिर फैमिली प्लानिंग को लेकर भी एक आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन होता है. फैमिली प्लानिंग का मतलब ये होता है कि यू वॉन्ट टू कंट्रोल द नंबर ऑफ बर्थ्स विद इन अ फैमिली. तो उसमें एक आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन है कि वो बोलते हैं नहीं भाई ये तो बड़ा गलत है, इसमें तुम्हारे देश की पॉपुलेशन, हमारे तो खानदान का चिराग, हमारे खानदान की देवी, ये फलाना फलाना करके होते हैं. कल्चरल नॉर्म्स हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं. कुछ कल्चरल टैबू, टैबू मतलब यहाँ डर की बात की जा रही है. और टीनेज प्रेगनेंसी के साथ भी कुछ सारे स्टिग्माज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फाइनेंशियल शॉर्टफॉल भी होता है, पैसों की कमी होती है, फंडिंग्स की कमी होती है, और अंडर फंडिंग होना, फिर इसके कारण सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स क्रिएट हो ही जाते हैं. अवेयरनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती. विमेन को फ्रीडम नहीं होती है,
और मोस्टली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ना, वो फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं। जैसे वेसेक्टोमी जो होता है ना, इसको कंसिडर करते हैं ये सेफ़ है रादर देन ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों चीज़ें वो सेम होती हैं, बेसिकली नसबंदी होता है, लेकिन वेसेक्टोमी जो होता है ना ये मेल में किया जाता है, और जो ट्यूबेक्टोमी होता है ना ये फीमेल के लिए होता है। तो एक्चुअल में तो ये होता है कि जो मेल वाला होता है वो सेफ़ प्रोसीजर होता है, फीमेल वाला एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है और इतना सेफ़ भी नहीं होता। यूएन की रिपोर्ट है, उसमें कहा था कि ओनली 57% वीमेन ऐसी हैं जिनको पता है होता है सेक्सुअल राइट्स के बारे में और अपने खुद के डिसीजन ले पाती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि फैमिली के अंदर जो मेल काउंटर पार्ट होते हैं वो ऐसा डिसीजन लेते हैं कि फैमिली प्लानिंग करनी है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने हैं नहीं करने, जो भी करना होता है। इट फेल्स टू इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के केस का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। अब ये जो पॉइंट होते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला वैसा बोला, इनकी महत्वता ज़्यादा होती है, इस तरह के आपको मेंशन कर देना कि ये चैलेंजेस हैं, ये इश्यूज़ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्टेरिलाइजेशन का, लाइक जो नसबंदी वाला जो प्रोग्राम है ना, ये वर्चुअली बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर ना इसे बहुत इनफॉर्मल तरीके से सेटअप किया जा रहा होता है। तो स्टेट पॉलिसीज़ कुछ इनफॉर्मल टारगेट सेट करती हैं, वो क्या करती हैं, आपको कुछ इंसेंटिव देंगी कि आप स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को के थ्रू जाओ। और वो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें वो फोकस ज़्यादा करते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर। और वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई लोअर कास्ट वाला हो जाएगा या फिर कोई ट्राइबल ग्रुप्स हो जाएंगे, ताकि उन और उन इसके कारण उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो ही नहीं पाती है और उनको फोर्स किया जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम का कभी भी जो मोटिव था वो फोर्स करना नहीं था, इट वॉज सिंपली वॉलेंट्री बेस्ड एंड चॉइस वाला। लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करो अच्छे से एंड देन दे शुड मेक द चॉइस, बट कहीं ना कहीं उनको फोर्स किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम है ना, इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, ऐसा नहीं कि ये फीमेल स्पेसिफिक हो, फीमेल को टारगेट नहीं करना है। नेगलेक्ट ड्यूरिंग द पैंडमिक, लॉकडाउन के टाइम पर तो ये जो SRH वाली जो सारे प्रॉब्लम था इसको काफ़ी इग्नोर भी किया गया था। तो अभी तक क्या हम लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए थे, 2021 का एक्ट है, इसका मैंने माइंड मैप में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था, ऑल इन वन जो UPSC एनडी बुकलेट है, जिनको नहीं पता हो वो इस वाले टॉपिक से पहले मैंने पूरा सैंपल में दिखाया भी हुआ है। तो वहाँ पर सारा भी मेंशन था कि कितने वीक्स तक कब अलाउड है, कब मेडिकल ऑफिसर के साथ अलाउड है, कब नहीं है, ऐसे ऐसे करके। तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था ताकि टाइम पर और एक सेफ़ अबॉर्शन का मेथड हम फॉलो कर सके कंट्री में। सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया था अडल्ट्री को, ये बहुत ही मेजर स्टेप लिया था। उन्होंने कहा था कि विमेन के पास भी अपनी सेक्सुअल ऑटोनॉमी का एक राइट होता है। इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली तो आई थिंक 2019 में हुआ था ऐसा। तो इसमें होता क्या था ना, ये जो मुद्दा था ना, ये बहुत हद तक आर्म्ड फोर्सेज में फॉलो किया जाता था। तो पहले ये होता था कि अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ है, और हस्बैंड एंड वाइफ अगर वाइफ का किसी के साथ कोई सेक्सुअल अफेयर हो जाता है ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर सेक्सुअल अफेयर हो जाता है, तो हस्बैंड कैन पुट अ केस ऑन वाइफ, ठीक है। ये था सेक्शन 377 में। तो उसमें ये होता था कि ये तो सिर्फ वुमेन को टारगेट करते हुए था, बट यहीं पर उल्टा चीज़ कोई उल्टे में केस में दिक्कत नहीं था। एक हस्बैंड का अगर किसी दूसरी फीमेल के साथ कोई सेक्सुअल अफेयर होता है ना, तो उसके ऊपर कोई केस वेस ऐसा कोई सीन बनता नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको नलीफाई कर दिया, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया अडल्ट्री को। अब सीन ये होता है, इसके बाद में ना जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है ना, उन्होंने इस पर एक काउंटर पिटीशन भी डाला था। तो वहाँ पर काउंटर पिटीशन ये आया था, 2019 में काफ़ी उछला था ये मुद्दा उस समय पे, आप लोगों को अगर याद होगा। तो उन्होंने कहा था कि जो आर्म्ड फोर्सेज में मेजरली जो मेल्स वगैरह होते हैं ना, उनको अपनी फैमिली से दूर ज़्यादा रहना पड़ता है, और उनकी एब्सेंस में ऐसा बहुत बार केसेस में देखा गया था कि उनकी जो वाइफ होती थी उनके किसी के साथ सेक्सुअल अफेयर स्टार्ट हो जाते थे। तो अब वो उनको डर रहता था कि यार ये तो हमारी मतलब हमारा तो घर परिवार ही उजड़ जाएगा, फलाना फलाना, उनको ये उस टाइम तक फ़ायदा कर रहा था ये एक्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो अब तो बात पुरानी होगी, 2-3 साल होने वाले, बट ये काफ़ी उछला था उस समय मुद्दा ही न्यूज़ में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। आगे बात आती है प्रिवेसी की। तो पुट्टा स्वामी जजमेंट भी आया था 2017 में, यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी की बात की गई थी। तो उसमें बताया था कि फैमिली लाइफ, मैरिज, प्रोक्रिएशन, प्रोक्रिएशन मतलब वही जो बच्चे को जन्म देना, प्रोक्रिएट करना, होम एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन होना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब लाइक जो LGBT वाला कॉन्सेप्ट होता है पूरा, तो ये आपकी अपनी खुद की चॉइस होती है। यू हैव द राइट टू हैव द प्रिवेसी ओवर दिस। इंडिया सिग्नेटरी है इन सब चीज़ों का, ये आप ज़रा याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्वेंशंस पर ना क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनमें से किसी एक का नाम आएगा और उसमें लिखा आएगा इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऐसा, या फिर इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी करके, तो इनको ज़रा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इंडिया चाइल्ड वाले में है, इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट्स पर है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में भी है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन में भी है। इसके अलावा
हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ने और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने कुछ स्कीम्स रन की हुई हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ को लेकर, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। आप सबके बारे में हल्का हल्का अपना अपना आइडिया रख लेना, ये आप पढ़ते हो जब गवर्नमेंट स्कीम्स, वहाँ आपको मिल जाएगा ये कॉन्टेंट सारा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? SRH की इन्फॉर्मेशन को सबके लिए एक्सेसिबल करो, सब लोग इस इन्फॉर्मेशन को अफोर्ड कर पाएँ, उनकी एज क्या है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस को लेकर के, कंट्रीज़ को बताया जाए कि कैसे वो एक्शंस ले सकते हैं बियॉन्ड द हेल्थ सेक्टर, सोशल नॉर्म्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, नए कानून कैसे ला सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी कैसे प्रमोट करेंगे, वीमेन की ऑटोनॉमी कैसे प्रमोट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव, उन्होंने वर्ड बहुत अच्छा यूज़ किया है यहाँ पर। तो जो भी टैबूज़ वगैरह हैं, जो भी मिसकॉन्सेप्शन हैं सेक्सुअलिटी को लेकर, उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है लोगों को। मैंने बताया ना, लिटरेट बहुत हैं, एजुकेटेड लोग कम हैं हमारे देश में, संसार में ही कहूँगा, देश का तो क्या ही बोलेंगे, सब पूरे संसार में ऐसा होता है। तो पीपल नीड टू गेट दी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। नए नए प्रोग्राम्स, कैंपेन्स, इनिशिएटिव्स लाने की ज़रूरत है, और उसमें मेन को एंगेज करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से सपोर्टिव पार्टनर्स बन पाएँ। एक्यूट शॉर्टफॉल है हमारे पास पब्लिक हेल्थ के केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है। मैंने पहले भी याद दिलाया था, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, UPSC हेल्थ के मामले में प्राइमरी पर टारगेट करेगा और एजुकेशन के मामले में सेकेंडरी एजुकेशन पर ज़्यादा टारगेट करेगा। प्राइमरी पर भी करेगा एजुकेशन में, बट मैं बता रहा हूँ मेजरली टारगेट UPSC करेगा सेकेंडरी एजुकेशन पर, कि हमारी कंट्री में इशू सेकेंडरी का ज़्यादा है। तो ये वाला टॉपिक तो यहाँ हो गया इतना फिनिश। इसमें कुछ रिलेटेड न्यूज़ है, इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। UNFPA, लेकिन इसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज करके बनती है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इनकी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड पॉपुलेशन को लेकर, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022। इसमें बताया गया था एक अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी के बारे में बात की गई थी। अनइंटेंडेड का मतलब कि आपकी मंशा नहीं थी टू गेट प्रेगनेंट, लेकिन आप प्रेगनेंट हो गए, ठीक है ना। लाइक यू डू नॉट वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन, और आपको कोई डिज़ायर नहीं था, बट बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द मंथली साइकिल्स, आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो रिपोर्ट का टाइटल ये था, सीइंग द अनसीन, द केस ऑफ एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। की फाइंडिंग्स क्या है कि 60% से ज़्यादा जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज होती हैं उसके बाद उनका अबॉर्शन करना पड़ता है। उस अबॉर्शन में से 45% अबॉर्शन जो होते हैं वो सेफ नहीं होते। उसमें से 5 से 13% तक मेटरनल डेथ भी हो जाती है। तो मैंने इस रिपोर्ट में एक ही ये डेटा था, इसको हाईलाइट किया था, क्योंकि इस एक डेटा में ना बहुत कुछ कनेक्ट हो गया है। 60% टोटल, फिर उसके बाद उसका 45, फिर उसका 5%, 13%। तो ये अच्छा डेटा था। 13% जो वुमेन है डेवलपिंग कंट्रीज़ में बींग चाइल्ड बेयरिंग, लाइक 18 साल से पहले ही वो प्रेगनेंट होकर माँ बन भी जाती हैं। 2015 से 2019 में अराउंड 121 मिलियन ऐसी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज देखी गई थी हर साल, और 1 in every 7 ऑफ दीज अकर इन इंडिया, यानी कि 7 अगर होती तो उसमें से एक जो होती है वो इंडिया में होती है, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज। क्या रीज़न होता है इतने सारी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज का? लोगों को सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, केयर कैसे करनी, हार्मफुल नॉर्म्स भी होते हैं, स्टिग्मा होता है सराउंडिंग वुमेन कि उनको अपनी फर्टिलिटी खुद कंट्रोल करनी आनी चाहिए, इसमें मेल का कोई रोल ही नहीं होता, ये सब स्टिग्मा है उनका। कुछ जजमेंटल एटीट्यूड्स हैं, पॉवर्टी एंड द स्टॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह के कारण, जेंडर इनइक्वालिटीज के कारण। फिर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए थे, उन्होंने कहा कि हेल्थ सर्विस को थोड़ा सा जेंडर रिस्पॉन्सिव बनाना चाहिए, कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं, एक्सटेंड कीजिए सोशल प्रोटेक्शन, एंड कीजिए जेंडर बेस्ड वायलेंस, इन्वेस्ट कीजिए इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। UNFPA क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसी है, 1968 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। पॉपुलेशन एंड सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का काम इसके अंदर आता है। मैंडेट किसने दिया था? इकोसॉक ने दिया था। हाँ, हो गया टॉपिक ख़त्म। इसमें आपको कुछ चीज़ों का जो बहुत बहुत ज़्यादा याद रखना है, एक तो इंडिया में हाईएस्ट मेटरनल डेथ होती है, उसमें से उसके बाद फिर उनकी अबॉर्शन ज़्यादा हो जाते हैं। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे शायद, क्वेश्चन तो पता नहीं मेंस में बनेगा नहीं बनेगा। और 57% वुमेन ऐसी हैं जो अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाती सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के राइट्स को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टरिलाइजेशन प्रोग्राम जो है एक रिलेंटलेस कैंपेन की तरह चल रहा है, और जो इनफॉर्मल टारगेट्स होते हैं ना वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं।
फिर हमारी कुछ ये इनिशिएटिव्स हैं, मेडिकल टर्मिनेशन वाला बिल, इसमें ना नंबर ऑफ वीक्स के बारे में बताया गया था कि इतने वीक्स के बाद अबॉर्शन कराना सेफ है, इतने के बाद नहीं है, राइट टू प्रिवेसी है, और सेक्शन 377 अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर देना, फिर कौन से कन्वेंशन है जिसमें इंडिया ने साइन किया हुआ है, बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, UNFPA में ये 60% अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज होती हैं, उनका अबॉर्शन होता है, उसमें से 45% अनसेफ होती हैं, उसमें से 5-13% की मैटरनल डेथ हो जाती है। UNFPA का मैंडेट इकोसॉक ने दिया था, 1968 में बनी थी है। हो गया, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास 6.3, दैट इज विमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो 25 साल हो चुके हैं जब इस बिल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन इतने सारे अटेम्प्ट के बावजूद भी ये अभी तक फाइनलाइज पास, मतलब फाइनली पास नहीं हो पाया है। ये बड़ा ही अच्छा एक स्टेटमेंट है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 1994 का। वो ये कहना चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विमेन की प्रेजेंस होने के बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मैंने हिंदी में 2-4 शब्दों में बता दिया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लेना और मेंशन कर देना IPU 1994, वैल्यू बहुत है स्टेटमेंट की। तो इंडिया, मतलब रैंकिंग की बात करते हैं तो UN के जो मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं UN के, उसमें से 148th रैंक है इंडिया का। अगर हम बात करते हैं कि विमेन, कितने विमेन का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, पाकिस्तान में 20% रिप्रेजेंटेशन है, बांग्लादेश में 20% है, नेपाल में 29, ऑलमोस्ट 30% का रिप्रेजेंटेशन है, तीनों हमारे नेबर्स हैं। लेकिन इंडिया का जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स है ना, वो काफ़ी फॉल कर गया है। क्या है फॉल उसमें, तो अराउंड 13% के आसपास का फॉल देखने को मिला था 2019 में। हमारे पार्लियामेंट में विमेन मिनिस्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन था, वो रिप्रेजेंटेशन था, वो 23.1% था। 2021 में वो रिड्यूस होकर 9.1 पे आ गया है, और ये बहुत शॉर्ट है, लाइक एवरेज जो है ना इंटरनेशनल, वो भी 22% है, इंडिया में ये बहुत नीचे चला गया है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर विमेन उनके नेशनल पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होती हैं, तो हाईएस्ट रवांडा में है, देन क्यूबा, देन UAE, निकारगुआ, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, स्वीडन। USA में 27% रिप्रेजेंटेशन है, हाईएस्ट रवांडा का है 61.3 का। ये ऊपर वाला ना रवांडा वाला, ये भी याद रख लेना, क्योंकि जब भी कुछ एग्जाम्पल देना होगा ना लाइक बेस्ट प्रैक्टिसेस का, देयर वी कैन मेंशन कि इवन रवांडा हैज मोर देन 60% विमेन मिनिस्टर्स इन देयर पार्लियामेंट। तो कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स रहते हैं कि ऐसा क्या है कि राजनीति में महिलाओं का योगदान नहीं हो पाता इतना। एजुकेशन एंड अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इशू है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी नहीं होती है उनकी अर्ली स्टेज पर, फिर बहुत सारी पेट्रियार्कल वैल्यूज़ भी होती हैं, एंड जो क्रिमिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स में, ये शायद लीस्ट होगा, लेकिन बाकी सबकी वैल्यू ज़्यादा है। इसकी भी वैल्यू है पर इन कंपैरिजन टू दी अदर वंस इसकी कम है। तो ये जो बिल 25 सालों से पेंडिंग है, इसकी शुरुआत तो 1993 में हो गई थी, और मतलब 1996 में हुई थी एक्चुअली, लेकिन आइडिया पहले 1993 में आ गया था। 2010 में भी आया था ये, 1998, 1999, 2008 वगैरह में, लेकिन ये कभी, मतलब एक बार राज्यसभा से पास हुआ लेकिन फिर लैप्स भी हो गया था। तो 2010 के बाद में फिर ये, इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया अभी तक। तो इस बिल में क्या ऐसे प्रोविजंस हैं, तो ये बिल बात करता है कि लोकसभा में, यानी कि हमारा जो लोअर हाउस है और हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, यहाँ पर विमेन को 33% सीट्स का रिजर्वेशन दे दो, और ये जो रिजर्व सीट्स होंगी ये रोटेशन बेसिस पर चलेंगी, एंड 15 सालों के बाद में फिर ये सीज़ कर जाएंगे। और रिजर्वेशन में ऐसे ही होता है, इवन अभी भी जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन वगैरह देती है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह में, उन सब चीज़ों में, तो उसका भी प्लान तो पहले ये था कि कुछ सालों तक चलाएंगे, बट फिर उसको हर बार एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये भी, इसका भी प्लान तो पहले यही होता है एक्चुअली। इस तरह की जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है ना, तो उसमें हम एम ये करते हैं कि आने वाले 15 सालों में हम लोग रिजर्वेशन दे करके इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव कर देंगे। तो शॉर्ट टारगेट रखने से ना थोड़ा सा खुद को पुश मिलता है, यार 15 साल में हमें टारगेट अचीव करना है। लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है कि सब उन जिसने बिल बनाया है उनको सबको पता है कि 15 साल में तो नहीं हो पाएगा, हमें इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। बट जस्ट टू कीप इट मेंटली एक्टिव, हमें छोटे टारगेट्स रखने पड़ते हैं ताकि जल्दी हम इस पर काम करें। अब इस बिल के फेवर में और इस बिल के अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ 33% रिप्रेजेंटेशन दिया जाए विमेन को लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, कुछ नहीं चाहते। तो पहले हम ये देख लेंगे कि कौन कौन चाहते हैं और उसके क्या क्या कैसे कैसे कारण हैं। तो इतना रिप्रेजेंटेशन देने से विमेन का पॉलिटिकल लेवल पर पार्टिसिपेशन अच्छा हो जाएगा और हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेशंस में सस्टेनेबल प्रोग्रेस होने लग जाएगी।
हमारी कंट्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, तो पार्लियामेंट्री में रिप्रेजेंटेशन एक मेजर एलिमेंट होता है। रिप्रेजेंटेशन का एक मेजर एलिमेंट बन जाएगा जेंडर रिप्रेजेंटेशन, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। और इस तरह के पार्टिसिपेशन को, रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करने से हमारे देश में जो जेंडर को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है, उसे हम एलिमिनेट कर पाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत मदद मिलेगी। ग्राम पंचायत में जहाँ वुमेन लीडर्स इलेक्ट होती हैं, वहाँ पर ये देखने को मिला था कि वो लोग पब्लिक गुड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके साथ वुमेन के बहुत सारे कंसर्न्स भी होते हैं। इसके थ्रू लोकल लीडर्स पर वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज देखने को मिला था। लेकिन अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इन सब के अगेंस्ट हैं, तो बोलते हैं कि ये तो एक तरीके का मतलब परसीव्ड है कि कॉम्पीटिंग होना चाहिए और मेरिट पर होना चाहिए सब कुछ, तो ये तो काइंड ऑफ अनइक्वल स्टेटस हो जाएगा वुमेन को, है ना। यानी कि वो मेरिट में नहीं भी होंगी और वो फिर मेरिट के लिए एफर्ट नहीं करेंगी, ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो अब अगेंस्ट है, आर्ग्यूमेंट है, तर्क वितर्क वाली बात है, तो आप जो बोलिए। रिजर्वेशन सिर्फ वुमेन को, उनको मदद करेगा जो ऑलरेडी एक एलीट क्लास से, एलीट ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ताकि वो आसानी से पॉलिटिकल पावर गेन कर सकें। फिर एक प्रॉक्सी कल्चर चलता है सरपंच पति का। इस पर एक अमेज़ॉन की एक वेब सीरीज़ भी आई थी पंचायत नाम से, जो अपने जीतू भैया है ना कोटा फैक्ट्री वाले, उनका था रोल था इसमें, वहाँ पर ये हाईलाइट किया गया था। अरे मेरे खुद के गांव में चलता था ये, मुझे याद है। अभी जो सरपंच है उसका तो मुझे पता नहीं कौन है, अभी बहुत टाइम से गांव से आइडिया ही नहीं है, कनेक्शन नहीं है इतना। बट लास्ट जब मेरे को याद है तो गांव में जो सरपंच था, तो वो लेडी थी, और मेन सरपंच तो लेडी थी लेकिन काम सारे के सारे उसका हस्बैंड करता था। तो ये इशू था, कोई भी साइन वाइन करवाना हो तो डॉक्यूमेंट पर तो लेडी साइन कर देगी, बाकी उसे पता कुछ भी नहीं था कि गाँव में क्या चल रहा है। तो ये प्रॉक्सी कल्चर चलता है, सरपंचपति वाली प्रथा है ना। तो आप लोग जब बन जाएंगे अफसर आईएएस, तो आपको देखने को मिलेगा, आपको सिखाया भी जाएगा कि इस तरह की पॉलिसी, इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फिर विमेन रिप्रेजेंटेशन को, ये जो मुद्दा है इसको उठाने से, वो ये भी कहते हैं, जो अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट है, वो कह रहे हैं कि आप जो बड़े मुद्दे हैं ना उनसे भटका रहे हो, जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये एक ज़्यादा अहम मुद्दा है इन कंपैरिजन टू विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन, विमेन्स रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। बोलते बोलते जबान लटक जाती है। अब देखो, अटकना बोलना था, लटक बोल दिया, होता है भाई रिकॉर्डिंग्स में। चलो, क्या कोई अल्टरनेटिव है विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल का? तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि हम मतलब रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए और ये बिल जो अटका हुआ है ये वाला इशू भी ख़त्म हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने सजेशन दिया था कि काम कर सकते हैं हम, पार्टी लेवल पर उनका रिकमेंड वो कर सकते हैं रिजर्वेशन। इसके लिए हमको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ना कनाडा, यूके, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पर ऑलरेडी फॉलो किया जाता है। वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी में उनको सीट का रिजर्वेशन मिल जाता है, लेकिन पार्लियामेंट में उनका कोई कोटा नहीं होता। तो देखो, ये सपोर्टिव एलिमेंट तो है, मतलब इसका फ़ायदा तो होगा। अगर पार्टी में ही ज़्यादा वीमेन रिप्रेजेंटेशन होगी तो जाहिर सी बात है उनको फिर जब इलेक्शन हो जाएंगे, वो जीत जाएंगे, तो मिनिस्टर भी बनाया ही जाएगा, एमपी तो बनाया ही जाएगा। तो एक दूसरा अल्टरनेटिव भी है, वो है ड्यूअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर एक मेल मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहाँ पर एक दूसरा होना ही होना, कंपलसरी होना चाहिए, वो दूसरा वुमेन होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। ये सजेशंस होते हैं, ये वाली चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में भी यूज़ करनी है और ये वाली चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी यूज़ करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं वुमेन के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर? तो हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला जो आर्टिकल 15 है उसका क्लॉज 3, वहाँ पर है कि स्टेट यानी कि देश जो है, यानी कि गवर्नमेंट जो है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, लेजिस्लेटिव भी हो सकता है वो, अदरवाइज भी, अदरवाइज का मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी कुछ हो सकता है जहाँ पर वुमेन के सोशियो पॉलिटिकल एडवांसमेंट की बात हो। तो ये कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा आप ज़रूर, इन तरह के कीवर्ड्स पर ना प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स बन जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। आर्टिकल 325 बात करता है कि इक्वल राइट मिलने चाहिए बोथ सेक्सेस को, और वुमेन को एंटाइटल मिलना चाहिए उनके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल राइट्स को लेकर जो इक्वल टू मेन हो। कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी हैं जिनको, जहां से वुमेन के पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो 1993 में इंडिया ने रेटिफाई किया था CEDAW को। अब ये CEDAW क्या है? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। फिर 1995 में बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन भी आया था। ये बहुत ज़्यादा याद रखना, क्योंकि इसका नाम ऐसा है कि आपको लगेगा नहीं, कल को UPSC इसका एक क्वेश्चन बना के दे देगा कि बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन कौन से फॉलोइंग चीज़ों के लिए। एक जगह लिख देगा ट्राइबल, एक जगह लिख देगा एनवायरमेंट, एक जगह लिख देगा गवर्नमेंट या वुमेन लिख देगा, या फिर एक और ऑप्शन दे सकता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा आप, ये कन्फ्यूजिंग है। बस ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट हमारा।
थोड़ा सा देख लें रिवाइज़ क्या क्या कुछ डेटा वगैरह। तो 25 साल से पुराना बिल है और इंडिया की रैंकिंग काफ़ी कम हो गई है। 2019 में 23% था और 2 साल बाद ही वो 9% के आसपास आ गया। ये स्टेटमेंट अच्छी है आंसर राइटिंग के लिए। और वर्ल्ड में मैक्सिमम रवांडा में है 60%। ऐसे में ना 61% याद ना रहे ना तो टेंशन मत लेना यार 61.3 याद नहीं, नहीं आप 60% भी लिख सकते हो और उसके साथ में आप लिख सकते हो कि अप्रॉक्स 60%। सो व्हेन यू यूज़ दी अप्रॉक्स वर्ड एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग क्लोज टू 60। ये किया जा सकता है, ये बहुत आसान है करना। कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये पूरी जर्नी याद करनी ज़रूरी नहीं है। आपको अगर इतना भी याद होता है ना कि 25 साल से पेंडिंग है वो काफ़ी रहेगा। प्रोविजन ज़रूर याद रखिएगा कि 33% यानी कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई थी लोकसभा में और स्टेट में, और फिर 15 साल बाद उसको एंड कर देंगे। आर्ग्यूमेंट्स तो हमने देख ही लिए। ऑल्टरनेटिव ज़रूर याद रखिएगा कि क्या कर सकते हैं, पार्टी लेवल पर दे सकते हैं या फिर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ड्यूअल मेंबरशिप वाली बात कर सकते हैं कि एक मैन हो और एक वुमेन हो। और हमारे संविधान में आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 में स्टेट, ये जो स्टेट है ना वो लेजिस्लेटिव भी और दूसरे भी तरह के भी प्रोविजंस बना सकता है। तो यहाँ लेजिस्लेटिव एंड अदरवाइज एक कीवर्ड है। आर्टिकल 325 तो हो गया, कॉन्वेंशन हो गया, बीजिंग वाला भी याद रखिएगा, बस कंप्लीट। न्यूज़ इन शॉर्ट में पहला टॉपिक हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका टाइटल है यू डाइस प्लस। फुल फॉर्म है इसकी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो इससे पहले यू डाइस आया था और उसमें बेसिकली जब हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था डाइस में एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा यहाँ पे ना ये याद रखना, यूपीएससी आपसे पता है क्या पूछेगा, बोलेगा कि ये यू डाइस प्लस टर्म इज रिसेंटली वॉज इन न्यूज़, दिस रिलेट्स टू वट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक एनवायरमेंट एनिमल फलाना फलाना करके। ये ध्यान रखना ये एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। तो पहले यू डाइस डाइस था डाइस, फिर यू डाइस, फिर यू डाइस प्लस अपडेटेड वर्जन है। यू डाइस प्लस में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऑल राइट, तो इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो का मतलब तो यही होता है कि दाखिले कितने हैं, लाइक कितने लोग एंगेज हैं। जब वर्ड ग्रॉस ऐड हो जाता है ना तो ग्रॉस का मतलब होता है कि लाइक सब कुछ एवरीथिंग एडेड। अगर बात करेंगे सिर्फ एनरोलमेंट रेशियो की तो उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि इस एज ग्रुप का एनरोलमेंट रेशियो बताइए या उस ग्रुप का बताइए या फिर इस जेंडर का बताइए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस यानी कि ओवरऑल बात कर रहे हैं तो एजुकेशन के मामले में जो जनरल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। प्यूपिल टीचर रेशियो, प्राइमरी लेवल पर 26 बच्चे और एक अध्यापक, अपर प्राइमरी में 19 बच्चे और एक अध्यापक, सेकेंडरी में 18 बच्चे एक अध्यापक और हायर सेकेंडरी में 26 बच्चे एक अध्यापक, इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। 12.2 करोड़ से ऊपर गर्ल्स एनरोल्ड हैं प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, तो इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कोविड-19 के टाइम पर ऐसा देखा गया था 39.7 लाख, कह सकते हो कि 40 लाख स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे थे जिसे गवर्नमेंट एड करती सपोर्ट करती थी या फिर प्राइवेट स्कूल के थे, वो शिफ्ट होकर गवर्नमेंट स्कूल में चले गए थे और ये पेंडेमिक के दौरान हुआ था। क्यों हुआ था ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि स्कूल्स वाले बोल रहे थे कि भाई फीस वगैरह तो देते रहो और टीचर्स वगैरह ऑनलाइन पढ़ा रहे थे उनको, सब ये सब चल रहा था इसलिए। फिर प्राइवेट स्कूल्स बहुत महंगे होते हैं और उनकी महंगी महंगी फीसें दो और फिर क्लास दिन में ऐसी टाइम पास लग रही थी बच्चों की। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसमें खासकर फंक्शनल गर्ल्स की टॉयलेट फैसिलिटी ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये छोटा मोटा कुछ डेटा था बट पता नहीं आप इसको यूज़ करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया था तो यहाँ पर चांसेस इसके ज़्यादा हैं यू डाइस प्लस क्या चीज़ हैं। फिर हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2019 की, रिलीज़ करने वाले हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। तो SR इज़ दी ओनली ऑफिशियल सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। देश में कहीं पर भी आपको डेमोग्राफिक डेटा चाहिए होगा तो SRS ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। हाईलाइट्स क्या हैं ये ना, इसमें ये चीज़ याद रखना, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, क्रूड डेथ रेट, इनकी डेफिनेशंस पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, इस टॉपिक से पहले ना मुझे कोई पूछ रहा था, मेरे को रिसेंटली टेलीग्राम पर मैसेज आया था कि जब भी PDF मिलती है तो उसमें क्या ये सब भी रहते हैं रेड में जो मैं ये जो मार्क कर रहा हूँ। तो मैंने आपको इसका पिछला टॉपिक ये वाला पढ़ाया था ना, ये देख लो एकदम मैंने क्लियर कर दिया है। बस वो जो कलर में अंडरलाइन होता है ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वो रहती हैं। ये जो मैं एनोटेशंस राइट नाउ वीडियो में बना रहा हूँ ना आपके सामने, ये सब नहीं होती PDF में, ऐसे गंदा करके थोड़ी दूंगा यार। तो क्रूड बर्थ रेट क्या चीज़ होती है, क्रूड बर्थ रेट में हम बात करते हैं कि एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हुए हैं इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000। तो इसमें नेशनल लेवल के ऊपर इसका पॉइंट कितना है वो याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट ये याद रखिए कि मैक्सिमम ये बिहार में है और मिनिमम केरला में है।
क्रूड डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन में, तो ये मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में है, मिनिमम दिल्ली में है। तो इतना इतना डेफिनेशन प्लस मैक्सिमम मिनिमम याद रख लेंगे, ये भी बहुत रहेगा। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट वो होता है जो छोटा बच्चा होता है ना, इसकी उम्र एक साल से कम होती है, उसे इन्फेंट बोलते हैं। मोर्टैलिटी का मोर्टल वर्ड का मतलब होता है डेथ, और एक मॉर्बिड वर्ड भी होता है, ये यूपीएससी के करंट अफेयर में आता रहता है ना मॉर्बिड, तो मॉर्बिड का मतलब सिकनेस होता है, और मोर्टैलिटी मॉर्टल मतलब डेथ से कनेक्टेड है। सो IMR जो है हमारा, यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड ऑफ द लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर वन ईयर ऑफ एज, ये मैक्सिमम मध्य प्रदेश में देखने को मिला है और मिनिमम केरला में। फिर एक होता है अंडर फाइव मोर्टैलिटी रेट, यानी कि पाँच साल से कम उम्र है बच्चे की बट उसकी डेथ का अगर हो जाना होता है, तो इसमें कोई स्टेट का तो डेटा नहीं दिया गया लेकिन इसमें डिक्लाइन देखने को ज़रूर मिला था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चेंज हुई है, पहले कुछ और होता था, अभी चेंज हो गया था। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बॉर्न फॉर एवरी 1000 बॉयज़, तो ये जो डेटा था ना, जैसे नेशनल लेवल के ऊपर ये थोड़ा सा 5 पॉइंट ऊपर चला गया था 2017-19 से लेकर के 16-18 और 17-19 का डेटा है ये, बट अब की बात कर रहे हो तो कह रहे कि 1000 प्लस हो गया ये, लेकिन उसके लिए डेटा अभी आएगा, और मतलब सेंसस का वेट कर लेते हैं, सेंसस में और क्लैरिटी के साथ वो डेटा आएगा। केरला के अंदर हाईएस्ट है सेक्स रेशियो एट बर्थ, एंड उसके बाद उत्तराखंड में लोवेस्ट है, लाइक 848 टोटल फर्टिलिटी। अच्छा, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, US जैसी कंट्रीज़ में ना जो सेक्स रेशियो होता है ना, हर बार ऐसा नहीं होता कि गर्ल्स टू बॉयज़ वाला, जैसे US में ना वो उन लोगों का मेजरमेंट डिफरेंट होता है, वो मेजर करते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ पर 100 गर्ल्स, उनका थोड़ा सा डिफरेंट मेजरमेंट होता है। उनका राइट नाउ रिसेंटली आई थिंक कुछ 97 समथिंग चल रहा था, ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था इसलिए। तो ये मत जानिएगा कि सेक्स रेशियो में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ ही यूनिवर्सल है, नहीं, ये कंट्री स्पेसिफिक होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका अर्थ ये होता है कि एक वुमेन जब तक वो जन्म दे सकती है, उसकी कैपेबिलिटी होती है बॉडी की, लाइक एज ग्रुप होता है ना जो, तो उसमें कितने बच्चों को जन्म देने की क्षमता रखती है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बॉर्न टू ईच वुमेन इफ शी वर टू लिव टू द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स, जब तक वो जन्म देने की अवस्था में है तब तक वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उसे बोलते हैं हम टोटल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है और TFR का, यानी कि पॉपुलेशन खुद को रिप्लेस करे, लाइक नंबर ऑफ पीपल डाइंग एंड द नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ। तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 2019 में थोड़ा सा कम आ गया था। स्टेबिलिटी की बात की जाती है 2.2 पर, और बिहार में हाईएस्ट है 3.1, यानी कि मैक्सिमम बर्थ्स वहाँ पर हैं, फिर आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एट्सेट्रा। रिप्लेसमेंट का जो लेवल है वो है लाइक 2.1, और ये अटेन किया गया 15 स्टेट्स में। नेक्स्ट है 6.4.3 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टैलिटी इन इंडिया, इसे भी वही सेम ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही रिलीज़ करते हैं। इसके की हाइलाइट्स ये थे कि केरला ने लोवेस्ट मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो दिखाया है, और नेशनल लेवल पर ही 103 है, तो केरला का लोवेस्ट है। केरला का इन सब चीज़ों में ना मामलों में मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, तो वहाँ पर अच्छे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके नेशनल वाइड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर स्टेट्स हैं UP, राजस्थान, बिहार, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। कुछ स्टेप्स लिए गए थे मैटरनल मोर्टैलिटी रेट को हैंडल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी मतलब जो जन्म देने वाली जो मदर होती है उसी को बोलते हैं, शिशु मतलब छोटा बच्चा, सुरक्षा इज प्रोटेक्शन, कार्यक्रम इज प्रोग्राम। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मतलब सेफ, मातृत्व मतलब मैटरनल, अभियान मतलब कैंपेन। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग बिल्कुल मतलब हार्डकोर इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ना, तो मेरी भाषा समझ पा रहे हैं लेकिन वर्ड्स को डिकोड नहीं कर पा रहे। लक्ष्य की फिल्म होती है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, और फिर रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलसेंट सर्विसेज। 10 लाख से ज़्यादा जो आशाज हैं उन्हें भी एंगेज किया गया। तो ये सब स्टेप्स लिए गए थे मैटरनल मोर्टैलिटी रेट को इंडिया में रिड्यूस करने के लिए। UNSDE यानी कि जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है, उन्होंने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज़ की 2022 की। इंडिया की रैंकिंग 136 रही, और फिनलैंड हमेशा की तरह टॉप करता आ रहा है, पिछले 5 सालों से टॉप कर रहा है, 5 सालों से सबसे ज़्यादा खुश देश फिनलैंड है। भूटान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड हैप्पीनेस में हम लोग GDP, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम इन सबको मेजर करते हैं। फिनलैंड के बारे में एक बात और है कि फिनलैंड को एक और भी नाम से बुलाते हैं ना, लैंड ऑफ 1000 लेक्स करके, क्योंकि ये आर्कटिक रीजन के पास है ना, तो यहाँ पर लेक्स बहुत ज़्यादा हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मेक्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि जो भी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, सबके लिए नहीं, उनके लिए कंपलसरी होगा कि अगर आपको वहाँ पर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एंट्री लेनी है तो आपको एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अब पहले क्या होता था कि ट्वेल्थ के स्कोर के बेसिस पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाया करता था, कंपलसरी नहीं था। टेस्ट कौन करवाएगा? NTA, NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी, रिसेंटली इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और 13 लैंग्वेजेस में होगा ये कॉमन टेस्ट। लेकिन ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स होंगे ना उसमें कंपलसरी नहीं है, अंडर ग्रेजुएट में कंपलसरी रहेगा। NTA के बारे में ध्यान रखना, NTA को एक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था और NTA का काम जनरली इसलिए इसको सेटअप किया गया था कि कंट्री में बहुत सारे जब मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जैसे कि अपना ये SSC हो गया मान लो, तो SSC ना जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा होता है उसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत होती है, तो इस तरह की जो NTA वगैरह जो होती हैं और ऐसी एजेंसीज को जब क्रिएट किया जाता है तो उनका मोटिव ये होता है कि एग्ज़ाम सेंटर्स परमानेंट बना दिए जाएंगे। लाइक हर सिटी के अंदर, अभी जैसे आप UPSC का अगर एग्ज़ाम देते हो तो स्कूल्स वगैरह, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं ना वहाँ पर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, तो मोस्टली संडे को ही होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कि उसके कारण स्कूल के टीचर्स वगैरह को भी एनरोल करना पड़ता है, कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनके लिए प्राइवेट ये जो होते हैं सेंटर्स होते हैं कंप्यूटर वाले ऑनलाइन सेंटर्स, उनको हायर किया जाता है। तो इस तरह की एजेंसी का रोल ये भी होगा कि इन्हें हर डिस्ट्रिक्ट में ना कुछ फिक्स सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि एग्ज़ाम का जो दौर है तो बहुत सालों तक चलेगा आगे, तो हमारे पास परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होना चाहिए, यहाँ पर हर दिन फिर एग्ज़ाम होते रहें, कभी कोई कंडक्ट करे कभी कोई कंडक्ट करे, तो हमारे बाकी जो यूजुअल रूटीन्स होते हैं ना इकोनॉमी के वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। नेक्स्ट वी हैव स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, मनोरक्षा मेंटल हेल्थ की बात की जाएगी, उसके लिए आपको निमहंस के बारे में पता होना चाहिए, ये इंस्टीट्यूट है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये जनरली मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस पर काम करता है और ये जो प्रोजेक्ट है इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन समर्थ, अब सोचने की कोशिश करो कि ये वुमेन वाला टॉपिक है, ऊपर भी वुमेन को लेकर एक चीज़ है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने लॉन्च किया है, बट समर्थ जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला है और वुमेन स्पेसिफिक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया है इसको। तो इस समर्थ वाले प्रोग्राम में ये क्या करेंगे, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना उनको 20% सीट्स अलॉकेट की जाएंगी हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वुमेन के द्वारा जो भी ओन्ड MSMEs है ना उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर लिया जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर ना उद्योग का आधार रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उनको कैटेगराइज किया जाता है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना MSMEs की कैटेगरीज कौन सी होती हैं बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में, वो कॉमन कर दिया था, फिर इतना इन्वेस्टमेंट होगा इतना टर्नओवर होगा ना, हम लोगों ने कल किया था ना 1 करोड़ और फिर 10 करोड़ 50 करोड़, फिर इसका इंटू फाइव 5 करोड़ 50 करोड़ और 250 करोड़ वाला, तो जो MSMEs की डेफिनेशन थी माइक्रो स्मॉल मीडियम करके, तो उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, हो गया। नारी शक्ति पुरस्कार जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन देती है, सभी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के लिए ओपन होता है और इंटरनेशनल वुमेन डे पर इसको दिया जाता है, यानी कि 8th of March को। तो न्यूज़ इन शॉर्ट भी हो गया हम लोगों का कंप्लीट, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। UPSC की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में आपको जो भी कुछ कंटेंट मिलेगा उसमें 700 से ऊपर माइंड मैप्स हैं आपको स्टैटिक के, करंट अफेयर्स के, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से और सनसेट टीवी वगैरह से आते हैं, आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, चेकलिस्ट है, मीन्स के क्वेश्चनियर वगैरह हैं, निमोनिक्स वगैरह हैं, तो मैंने हर एक चीज़ का सैम्पल आपको दिखाया हुआ है इसी वीडियो में। सैम्पल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर वो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक करके आप सैम्पल देख सकते हो और डाउनलोड का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में ही है। इस बार मेंस 2021 में इस बुकलेट के हम लोगों ने जो माइंड मैप्स क्रिएट किए थे ना उसमें से मोर देन 20+ क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में आए थे, तो आराम से आप कवर कर सकते थे, तो डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए, बाकी डिटेल्स सारी वहाँ पर है। साइंस एंड टेक में पहला टॉपिक है हमारा नेट न्यूट्रलिटी को लेकर, तो नेट न्यूट्रलिटी का जो डिबेट है ना वो दोबारा से रीसर्फेस हो गया है कंट्री में, क्योंकि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, अब टेलीकॉम ऑपरेटर कौन कौन है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इन्होंने कहा है कि जो ये CDN होते हैं ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इनको रेगुलेट किया जाए, इनको लेकर के कोई फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो पहले हम ये जानेंगे नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, फिर हम जानेंगे CDN क्या होता है। नहीं, मुझे लगता है पहले हम लोगों को CDN जान लेना चाहिए वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप लोगों को पता होगा गूगल, इसके सारे फीचर्स, और OTT में जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, अमेजॉन प्राइम, MX Player हो गया, ये सब मिलकर के ना किसी तरीके का एक डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ सर्वर्स क्रिएट करते हैं ताकि इंटरनेट का कॉन्टेंट जल्दी डिलीवर हो जाए। क्यों करते हैं ये लोग?
क्योंकि किसी भी तरह के, अब जैसे नेटफ्लिक्स ही है ना, नेटफ्लिक्स आपसे पैसे चार्ज करता है, और कुछ दूसरी वेबसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपसे पैसे चार्ज करती हैं लेकिन उसके थ्रू वो आपको एडवर्टाइजमेंट फ्री कॉन्टेंट देती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का पेज के लोडिंग टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। जितना फास्ट आपका पेज लोड करेगा उतने आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जितना लो आपका पेज लोड करेगा उतने ही आपको पैसे कम मिलेंगे। तो ये जो CDN सर्विसेज होती है ना, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। तो ये चेक करते हैं कि किस सर्वर से कितना फास्ट नेटवर्क आ सकता है और उसके थ्रू अपने डेटा को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। अब जब ऐसा होता है तो इसके कारण डेटा का ना बेसिकली कंजम्पशन का ना वेरिएशन आ जाता है, और वहाँ पर हम देखते हैं नेट न्यूट्रैलिटी को। नेट न्यूट्रैलिटी जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर ISP जो इंटरनेट के सर्विस के प्रोवाइडर्स होते हैं, ये डेटा को ट्रीट करते हैं इक्वल लेवल पर, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर ऐप है तो इसका डेटा फास्ट डिलीवर किया जाए या इस वेबसाइट को स्लो ओपन किया जाए, वो सबको इक्वल कर देते हैं। इट्स लाइक इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है। और CDN के बेनिफिट क्या होते हैं, CDN से ना वेब पेज के लोडिंग टाइम्स कुछ के इम्प्रूव हो जाते हैं और अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, अच्छे तरीके से ट्रैफिक्स को हैंडल कर पाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, बैंडविड्थ वगैरह रिड्यूस करने में मदद करता है, सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो नेट न्यूट्रलिटी की डिमांड इसलिए आई है, वो कह रहे हैं कि ये जो CDN वाले नेटवर्क्स हैं ना, आप इनको रेगुलेट कीजिए। अब रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि इसके में कुछ प्रॉब्लम चलती है। होता ये है कि कहाँ गया वो कॉन्टेंट, अनलॉकिंग द पॉसिबिलिटीज़। अगर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होगा ना, तो इंटरनेट के कारण रैपिड ग्रोथ होगी पीपल टू पीपल में, बिजनेस टू बिजनेस में। इंटरनेट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ इक्वल ट्रीटमेंट देती हैं डेटा को। मान लो दो वेबसाइट्स हैं, जैसे गूगल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, ये दोनों सर्च इंजन्स हैं, लेकिन बिंग जो है वो इन कंपेरिजन टू गूगल थोड़ा सा स्लो ओपन होता है। तो नेट न्यूट्रलिटी दोनों को इक्वली ट्रीट करेगा, बट अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगा तो CDN जो होंगे ना वो प्रेफरेंस देंगे गूगल को, क्योंकि गूगल का जो वेब पेज है वो फास्टली ओपन होता है। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाएगा किसी भी वेबसाइट वगैरह को, स्मॉल बिजनेस को नुकसान नहीं होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, स्मॉल बिजनेस पैसा नहीं पे कर पाएंगे बड़े। अब नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा बिजनेस है अपने आप में, तो ये लोग ज़्यादा पैसा पे करते हैं ताकि इनका कॉन्टेंट, अब देखो ना नेटफ्लिक्स की ऐप वगैरह में हैंग नहीं होता कुछ भी, बहुत फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच, विदाउट नेट न्यूट्रलिटी यानी कि कोई कानून नहीं है इसका, तो आप किसी भी ऑनलाइन कॉन्टेंट को ना सेंसर करने का भी इशू ज़्यादा क्रिएट होता था, उसको भी हैंडल कर पाओगे आराम से, कोई एक्सक्लूजन नहीं होगा, ठीक है। तो गारंटी मिल जाएगी कि जो भी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है वो सबके लिए अवेलेबल है, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हमको नेट न्यूट्रलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सोच के देखिए, कुछ ऐप्स की, कुछ एप्लीकेशंस की ना रिक्वायरमेंट ही होती है कि उनको फास्ट नेटवर्क चाहिए, और कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर हमारी बैंडविड्थ राइट ना बहुत लिमिटेड है, जैसे आप स्काइप यूज़ करेंगे, आप जूम यूज़ करेंगे, आप यूट्यूब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है और प्रायोरिटी भी ज़्यादा होती है। पर देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स लाइक विकिपीडिया हो गया, उसको इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए जितनी यूट्यूब को चाहिए, तो हम लोग बैंडविड्थ को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर नेट न्यूट्रलिटी आ जाएगा तो हम लोग बैंडविड्थ को मैनेज नहीं कर पाएंगे, हमें वो चीज़ इक्वली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर अगर नेट न्यूट्रलिटी होगा तो आप तो फिर किसी कंटेंट को हैंडल कर ही नहीं पाएंगे, तो आप क्या कीजिए, नेट न्यूट्रलिटी को हटा दीजिए ताकि हम प्रेफरेंस सेट कर दें, और इसके कारण इलिसिट कंटेंट यानी कि जो इलीगल कंटेंट होता है ना उसको भी रोका जा सकता है। हमारे पास नया इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अभी, हमारे पास जितना भी पैसा हम लोग इसको नेट न्यूट्रलाइज करने में सेटअप करेंगे, उस पैसे को बचा करके हम रूरल एरियाज़ में नेटवर्क स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हमें ये देख लेना है कि कौन सी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक मेजर नहीं है नेट न्यूट्रलिटी को लेकर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कोरिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। कुछ कंट्रीज़ ने थोड़ा सा लाइक हल्का बहुत एक बेयर मिनिमम सा रेगुलेटरी मेजर सेटअप किया हुआ है, जैसे यूरोपियन कमीशन हो गया, जापान हो गया, UK हो गया, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक इन डिटेल ऐसे मेजर सेटअप किए हुए हैं, जैसे USA हो गया, ब्राज़ील, चिली, फ्रांस एंड नेदरलैंड्स। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया ने प्रेजेंटली इसको एनफोर्स किया है वाया TRAI, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो TRAI ने नेट न्यूट्रलिटी पर क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, पहली बात तो उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट जो है किसी भी तरह के कॉन्टेंट का, उसको प्रोहिबिट किया हुआ है, लेकिन CDN को रेगुलेशन से बाहर रखा हुआ है। और टेलीकॉम रेगुलेटर्स की डिमांड क्या है, CDN को जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होते हैं इनको रेगुलेट किया जाए। उसके बाद इन्होंने ऐसा तो कर दिया है कि जो अच्छा इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, जैसे अभी एग्जांपल कैसे दूं राइट नाउ, जैसे कुछ लोगों के घरों में वो होते हैं ना कर्टेंस होते हैं, तो वो उससे
अच्छा वाईफाई होता है ना आपके आजकल, तो इसमें एसी में वाईफाई आने लग गया ना, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काउंट होता है। लाइक इंटरनेट की हेल्प से आप थिंग्स को ऑपरेट कर पा रहे हो। कुछ कार्स होती हैं ऑटोमेटिक आने लग गई ना, मोबाइल की एप्स होती हैं, उस अपनी कार को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, लॉक अनलॉक, म्यूज़िक प्ले करना, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो वो आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, और ये ना प्रीलिम्स में आ चुका है। यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था और बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स बना के दी थी। तो यूपीएससी का एक इतिहास रहा है ऐसा कि जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो अक्सर सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आईओटी को इन्होंने एक्सक्लूड तो नहीं किया है, लेकिन कुछ क्रिटिकल आईओटीज़ हैं तो ट्राई ने उसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो ट्राई ने ये भी कहा था कि जैसे बार्क है ना, ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर रेगुलेशन करता है, तो उसी तरीके से नेट न्यूट्रलिटी को एनफोर्स करने के लिए हमें पहले एक वॉच डॉग क्रिएट करना पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें हमारा, कि जो भी यूज़र्स के राइट है ना इंटरनेट के ऊपर, उनको हमें ज़रूर इंश्योर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी यूज़र के राइट हैम्पर हो रहे हों। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनको कुछ एडिक्वेट डिस्क्लोज़र भी प्रोवाइड करने चाहिए कि वो अपनी ट्रैफिक को मैनेज करने की पॉलिसी कैसे हैंडल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाने के लिए प्रायोरिटाइजेशन देना ही पड़ेगा हमको। एक के भार्गव कमेटी है 2015 की नेट न्यूट्रलिटी पर, उनकी क्या अप्रोच थी, उन्होंने कहा था कि राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स को लेकर। जो भी स्टेक होल्डर कौन होगा, आप और मैं, यूज़र हो गए, ISP हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, CDN हो गया, टेलीकॉम वाले जो ऑपरेटर्स हो गए, ये सब के सब स्टेक होल्डर्स हैं। तो सबके क्या कंसर्न है, सबका कितना पार्टिसिपेशन है, हर बात को समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। राइट स्पीच, नो थ्रॉटलिंग एंड द ब्लॉकिंग ऑफ लॉफुल कंटेंट ऑन द नेट। तो थ्रॉटलिंग का मतलब क्या होता है, कि किसी चीज़ को ना, जैसे गाड़ी, एक्चुअली थ्रॉटल जो होता है ना वो कार्स में यूज़ होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो भी कानून, लॉफुल कंटेंट है ना, जो लीगल है और मतलब कानून के विधीन में आता है, उसको आप ब्लॉक मत कीजिए। राइट माइंडफुलनेस, और जहाँ पर भी आपको ट्रैफिक को मैनेज करना है एंड जो भी पेड प्रायोरिटाइजेशन वगैरह होती है डिसअलाउ करना है, उसको माइंडफुल तरीके से कीजिएगा, रीजनेबल और लेजिटिमेट तरीके से। राइट कॉन्सेंट्रेशन, कि किस तरीके से अडेप्टेशन करना है इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता रहे, उस पर थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर बेसिकली मेजरली एक तो नेट न्यूट्रलिटी की ना डेफिनेशन याद रखना, यहाँ पर डेफिनेशन से, इस तरह के टॉपिक में डेफिनेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये AK भार्गव कमेटी, ये एक नाम याद आपको होना चाहिए। तो इस टॉपिक में वैसे याद रखने वाली दो बातें, मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं इंडिया में क्या होता है, ट्राई रेगुलेट करता है नहीं करता है, इस तरीके से छोटा ही टॉपिक था ये। तो साइंस एंड टेक का सेकंड टॉपिक है हमारे पास स्पेस डेब्री। इसमें लास्ट का जो एस है ना, ये साइलेंट रहता है, तो इसको हम डेब्रिस नहीं बोलते, इसको हम डेब्री बोलते हैं। तो इसरो एक ऑर्बिटल डेब्री ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो और उसमें न्यू रडार्स वगैरह एस्टैब्लिश किए जाएंगे, कुछ ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स भी आएंगे नेत्र प्रोजेक्ट के अंडर। तो उसके थ्रू जो स्पेस में डेब्री है ना, डेब्री मतलब जो मलबा कह सकते हो, कि छोटा छोटे टुकड़े टुकड़े होते हैं सैटेलाइट्स के होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस सबको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए, हैंडल करने के लिए बेसिकली। नेत्र प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत स्पेस जंक के बारे में आइडिया लगाना पड़ेगा। तो अराउंड 60 ईयर्स हो चुके हैं कि ह्यूमन बींग्स ने स्पेस में एंटर किया था, और उसके बाद से स्पेस एक्सप्लोरेशन दिन प्रतिदिन एक्साइड करता जा रहा है। तो हर साल अराउंड 250 एक्सप्लोजन्स और कोलिजन्स होते हैं स्पेस में, इसके कारण बहुत सारा मलबा, अब मलबा बेसिकली सैटेलाइट्स का ही होता है। तो अराउंड 23,000 ऑब्जेक्ट्स हैं जो करंटली ट्रैक किए जा रहे हैं स्पेस में, एंड अराउंड 1200 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, और उससे पहले के जो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं वो अलग हैं। तो अगर वेट की बात करें, देखो ये अर्थ है ना, इसके पास छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, तो इस तरीके से ऑर्बिट में सारा वो टुकड़ा जो रह जाता है ना, वो सब यहाँ रहता है। तो बहुत सारे रॉकेट्स वगैरह के जो फ्यूल पार्ट्स होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा ना, जब रॉकेट ऊपर जाता है स्पेस में, तो उसके जो फ्यूल टैंक्स होते हैं एक्सटर्नल, वो गिर जाते हैं, तो वो स्पेस में रह जाते हैं, और उसी का धीरे धीरे करके डेब्री बन जाता है। फिर बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं जो डिसफंक्शन हो जाते हैं, तो सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो फिर अर्थ पे नीचे नहीं आते कि ओशन में गिर जाएगा या फिर इधर उधर कहीं गिर जाएगा, वो स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से स्पेस का मलबा हो गया है। इस मलबे को हैंडल करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ अलग अलग तरह के स्टेप्स ले रही हैं, जैसे कि जो एक इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी है ग्लोबल लेवल पर, एक UN की भी कमेटी है, उसको बोलते हैं कॉपवस। सो ये कमेटी भी इसी चीज़ पर काम कर रही है, एंड जापान की जो जाक्सा है ना, जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन प्लस में यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, इन्होंने भी, जापान ने रिसेंटली एक 6 मंथ का डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट सेटअप किया था। तो ये पहला डेब्री रिमूवल मिशन है, और इसी के साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी काम कर रही है,
और ब्रिटिश की सेटेलाइट्स पे भी काम किया जा रहा है। चाइना रशिया ने तो एक प्रपोजल डाला था यूएन में कि हमको डिसआर्ममेंट करने की ज़रूरत है, कि स्पेस में वेपन्स नहीं जाने चाहिए। यूरोपियन यूनियन का एक वॉलंट्री कोड ऑफ कंडक्ट है कि स्पेस के ट्रैफिक को कैसे मैनेज करेंगे। इंडिया में दिगांत्र एक कंपनी है, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो IISc बेंगलुरु में, उनके साथ मिलकर जो स्पेस का डेब्री है उसको हैंडल करने के लिए काम स्टार्ट किया है। तो अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इंडिया ने जो ये काम करना है वो किया जा रहा है नेत्र प्रोजेक्ट के अंदर। अब नेत्र ना हिंदी का शब्द है, इसका मतलब होता है आँख यानी कि विजन। तो इसरो कुछ ऑर्बिटल डेब्री ट्रैकिंग कैपेबिलिटी पे काम कर रहा है। इसमें नए रडार्स और ऑप्टिकल टेलीस्कोप सेटअप करेंगे हम लोग। तो हमारे जो रडार्स होंगे ना, उनकी रेंज होगी 1500 किलोमीटर तक की। और ये इनका काम होगा डिटेक्ट करना, ट्रैक करना उन ऑब्जेक्ट्स को जिनका साइज 10 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा होगा। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये इंडिजिनसली डिज़ाइंड और बिल्ट है। तो स्पेस में डेब्री आता कहाँ से? अपर स्टेज के रॉकेट्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशन डेब्री यानी कि उसी डेब्री का टुकड़े हो जाते हैं कोलिजन के कारण। मिशन होता है कोई, उसमें जो मटेरियल रह जाता है स्पेस में, या फिर डेलिब्रेट डेब्री क्रिएशन लाइक एसेट वगैरह, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। फिर कोई फंक्शनल नॉन फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट होता है लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद वो डिसफंक्शनल हो जाता है। कोई लॉन्च व्हीकल होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो मैंने आपको बताया था, उसको जब अबैंडन कर दिया जाता है। तो ये नेचुरल भी हो सकता है और ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है। हर एक सैटेलाइट जो स्पेस में जाती है उसका एक पोटेंशियल होता है कि वो स्पेस डेब्री में कभी ना कभी कन्वर्ट हो जाएगी। डेब्री हमको मिलेगा 36,000 किलोमीटर्स के ऊपर, जहाँ पर वेदर सैटेलाइट के कम्युनिकेशन होते हैं, क्योंकि उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। एसेट क्या होता है? ये होती एंटी सैटेलाइट टेस्ट। ये बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कुछ इंस्टांसेस देखे गए थे जहाँ पर US, चाइना और इवन इंडिया ने मिसाइल का यूज़ किया था अपनी खुद के सैटेलाइट को ब्लो करने के लिए। अब उसके कारण डेब्री के नए पीसेस क्रिएट हो गए थे। तो इसके कनेक्शन में इंडिया की साइड से मिशन शक्ति है, 2018 या 19 का लॉन्च हुआ था वो, इसलिए था कि स्पेस में अगर इस तरीके से कोई मिसाइल भेजनी हो तो। अब उस स्पेस डेब्री का रिस्क क्या क्या होता है, नुकसान क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो वो ऑर्बिट में रहता है और उसकी स्पीड होती है 6 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी जहाँ बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हो ना, आपको आइडिया होगा, आप अपने रूम में हो सकते हो, अपने छत पर हो सकते हो, आप हो सकता है कहीं इधर उधर बैठे हो, जहाँ भी हो आपको आइडिया होगा आपके घर के आसपास के 5 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर का। अब पलक झपकाओगे और इतनी ही एक सेकेंड के अंदर अंदर एक मटेरियल है जो इतना उस डिस्टेंस पर चला जाएगा। हो सकता है आपके घर से 5 किलोमीटर कोई स्कूल हो, 5-10 किलोमीटर कोई मेट्रो स्टेशन हो सकता है, या फिर कोई शॉप हो सकती है जहाँ पर आप पहले कभी जाते हो, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, पर आपको आइडिया है कि अच्छा ये चीज़ इतने डिस्टेंस पर है। तो आप स्पीड इमेजिन करके देखो, 6 से 8 किलोमीटर एक सेकेंड में। तो इतना फास्ट होता है कि सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है। जब सैटेलाइट्स वगैरह आपस में कोलिजन होता है ना, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना कि 250 कोलिजन होते हैं हर साल, एक्सप्लोजन्स भी होते हैं उसमें। और जो स्पेस वॉकर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, स्पेस में एक्सप्लोरेशन के लिए बाहर निकलते हैं, अगर उनके स्पेस सूट से टकराएगी कोई मटेरियल वगैरह, कोई मेटल के बने होते हैं, तो उनके स्पेस सूट को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। एक कैसलर सिंड्रोम वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक डेबरी दूसरे डेबरी से टकराएगा, और उसके बाद वो दूसरे डेबरी तीसरे डेबरी से टकराएगा, फिर तीसरा चौथे से। तो एक कास्केडिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, एक डोमिनो इफेक्ट देखते हैं ना हम लोग, ऐसे कुछ स्लैब्स वगैरह को खड़े कर दिया जाता है और एक स्लैब जो होती है वो इस पे गिरेगी, ये इस पे गिरेगी, इस पे गिरेगी, इस पे गिरेगी, इस पे गिरेगी, तो एक एक करके कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस वर्ड इसके लिए ना कैसलर सिंड्रोम वर्ड यूज़ किया जाता है। ये वर्ड आप याद रखिएगा, मे बी UPSC इसमें पूछ ले कि कैसलर सिंड्रोम वर्ड जो है किससे कनेक्टेड है, स्पेस से, डेब्री से, प्लांट से, डिजीज से, किसी से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना प्रिलिम्स में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इंक्रीज द कॉस्ट, तो OECD ने एक स्टडी किया था, OECD तो पता होगा, OECD एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो और यहाँ स्पेस इस वाले टॉपिक तक पहुँचे तो OECD का आपको आइडिया होगा। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी सैटेलाइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ना पूरे मिशन का जितना पैसा लगता है उसमें से 5 से 10% एक्स्ट्रा लगता है, और इसी कारण स्पेस डेब्री से जो नुकसान होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अब मान लो कोई 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो अब उस 1000 करोड़ में 100 करोड़ और लगा लो, इतना रुपये तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लग जाएगा। इंडिया में तो 1000 करोड़ नहीं लगते होंगे, थोड़े कम लगते हैं 500-700 करोड़ में, बट इंडिया के बाहर तो इतने पैसा लग जाता है स्पेस में कुछ भेजने के लिए। इंटरफेरेंस विद साइंटिफिक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, हमारे रेडियो टेलीस्कोप्स हो गए उनको डिस्टर्ब कर सकता है, और फोटोग्राफ्स जो ग्राउंड पर भेजी जाती है टेलीस्कोप के थ्रू उन्हें डिस्टॉर्ट कर सकता है। एयर ट्रेवल को भी अफेक्ट करता है। रिस्क होता है कि जो भी हाईएस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना ऑर्बिट करते हैं अराउंड 1000 किलोमीटर्स तक, तो जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन में कम्युनिकेशन वगैरह यूज़ होते हैं उनको इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमें इश्यू पता चल गए, हमें कॉज पता चल गए, हमें कुछ स्टैटिक्स पता चल गए। अब हमें इसके लिए क्या स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी बनाए कि वो
क्रिएट ही ना हो, या तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट और जो ऑर्बिटल स्टेजेस होते हैं उनको ऐसे डिज़ाइन करो कि वो नॉर्मल ऑपरेशंस में अपना कोई डेबरी छोड़े ही ना। स्पेस क्राफ्ट और ऑर्बिटल स्टेजेस को जो कि टर्मिनेट करते हैं अपने ऑपरेशनल फेजेस को, तो उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट से पास करो, ठीक है, फिर उसको डी ऑर्बिट कर दो ताकि उसकी प्रॉपर मैन्यूवरिंग हो सके, उसका लाइफ टाइम इससे रिड्यूस हो जाता है। मिशन का एस्टिमेट लगाया जाना चाहिए कि एक्सीडेंटल कोलिजन होने के चांसेस कितने कितने हैं, बेसिकली रिस्क असेसमेंट करना ज़रूरी है। मूव सैटेलाइट्स इन हायर ऑर्बिट्स, पर्टिकुलरली जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं ना वहाँ पर, ताकि वो एटमॉस्फेयर में री एंटर कर ही ना पाए। रिमूवल प्रोसीजर्स, स्पेस टीदर, ये एक टेक्नोलॉजी होती है। टीदर मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो कि जैसे वो होता है ना, आप लोगों ने किसी मूवी में देखा होगा इंटरस्टेलर, आप लोगों ने अगर देखी हो तो, मुझे यार इंटरस्टेलर का नहीं लगता आई थी, वो थी द मार्शियन करके आई थी एक मूवी, उसमें एक पर्सन होता है वो स्पेस में कुछ वॉक वगैरह करता है। अच्छा, कोई भी एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में वॉक करेगा ना, तो अपने बॉडी से एक काइंड ऑफ रॉप टाइप का एक चीज़ होता है, एक रस्सी टाइप का, उसको बांध के रखता है, उसको टीदरिंग बोलते हैं। तो एक मेथड हो सकता है इसमें टीदरिंग का यूज़ करके, हम लोग जो डेब्री ऑब्जेक्ट हो सकता है ना उसको स्पेस क्राफ्ट की हेल्प से थोड़ा और इधर उधर ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। लेज़र्स का आपको पता होगा बहुत हाई एनर्जी से वो बर्न कर सकती हैं, तो लार्ज क्वांटिटी में स्मॉल डेब्री वगैरह को हम मतलब लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेस टग्स हो सकते हैं, इसमें रोबोटिक ग्रैपलिंग डिवाइस होते हैं। रोबोटिक ग्रैपलिंग डिवाइस का मतलब होगा कि मान लो ऐसे छोटा 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 टुकड़ा अगर अवेलेबल होता है ना, तो वो क्या करेगा, एक डिवाइस होगा पूरा का पूरा काइंड ऑफ ऐसा कुछ डिवाइस होगा, और वो स्पेस में लगा होगा फैन वगैरह के साथ, मतलब स्पीड से वो पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा, इधर से जाएगा इसको पूरे को कवर कर लेगा अपने अंदर, लाइक सक इन कर लेगा इस तरीके से भी। फिर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के ऊपर काम कर सकते हैं, यानी कि हम ट्रैक कर सकते हैं ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स को, और कॉन्टीन्यूसली ग्राउंड के ऊपर जो रडार्स होते हैं उन पर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर भेज सकते हैं। आइडिया लग सकता है कि प्रिडिक्शन की जा सकती है कि कौन से सैटेलाइट्स हैं उनका कोलिजन हम अवॉइड कर पाएंगे। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, रिसर्च अच्छी करो, डिस्कशन बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए, रेगुलेटरी इश्यूज़ को हैंडल किया जाना चाहिए जितना जल्दी हो सकता है। मिटिगेशन गाइडलाइंस, मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना। स्टेट्स को एनकरेज करो कि जो भी एग्जिस्टिंग स्पेस ट्रिटरीज़ है ना उनको रेटिफाई करें, और उन ट्रिटीज़ में ऐसा सब होता है, लाइक कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स मेंशन किए जाते हैं। अपने अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस क्रिएट करो, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बेस्ट प्रैक्टिस पे काम किया जा सकता है। फ्यूचर में होने वाले जो लॉन्च होते हैं ना उनको लिमिट कर दो। तो इंडिया ने जैसे क्या किया था, 104 सैटेलाइट्स का एक मिशन किया था, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप एक बार में ना बहुत सारी कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स को लेके चले जाते हो, तो 104 जो थी वो सारी की सारी इंडिया की नहीं थी, उसमें मोस्टली तो यूएस की थी और दूसरे नेशंस की थी। तो उन्होंने इंडिया ने क्या किया ना कि मल्टीपल मिशन के सैटेलाइट्स को एक ही मिशन में अरेंज कर दिया, तो एक अच्छा तरीका होता है, इससे पैसा बहुत बच जाता है, इससे डेबरी बहुत स्पेस होता है, इससे प्लानिंग बहुत सेव हो जाती है। वी कैन हैव स्पेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल और गवर्नमेंट के कंटेंडर्स होते हैं उनको एड्रेस कर सकता है, और जो सिचुएशन है उसे हम कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते रहें। तो स्पेस डेबरी में कैसलर सिंड्रोम वर्ड आप याद रखिएगा, नेत्रा प्रोजेक्ट याद रखिएगा, एंड ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है तो यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे। हाँ, जाक्सा ESA के कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो भी आप याद रखिएगा। दिगांतर के एक कंपनी है और IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर काम कर रही है, ठीक है, इतना ही है इसमें। साइंस एंड टेक का थर्ड टॉपिक है जीनोम एडिटिंग। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको, और मैं भी शायद 2-3 बार करवा चुका हूँ विजन की ही मैगजीन में, ये रिपीट बहुत होता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम जीनोम, बायोटेक्नोलॉजी, एडिटिंग वाले इन सब चीज़ों से। और लास्ट टाइम 2021 में आई थिंक वो आया था, GMO का आया था क्वेश्चन, उसका BT कॉटन वाले से मैच करता, उसमें वो बॉल गार्ड वगैरह वाला कुछ पूछा था, ऐसा कुछ था शायद। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पहली बार एक ऑर्डर इशू किया है जहाँ पर उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है एक जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स को फ्रॉम स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, यानी कि उनके ऊपर सख्त रेगुलेशन नहीं की जाएगी, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया है, और वो एप्लीकेबल है GM क्रॉप्स पर भी। तो किस किस को एग्जेम्पशन दिया गया है, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लीज SDN1 और SDN2, ये जीनोम एडिटिंग प्लांट्स हैं, इनको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से कुछ रूल्स से एक्सेप्शन दे दिया गया है। अब इससे क्या होगा, ये जो जीनोम एडिटिंग प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं ना, विदाउट एनी फॉरेन जीन्स, ये डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे।
नोटिफिकेशन के साथ ये इनिशियली रेगुलेट होंगे इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी के अंदर, और SDN 1 एंड SDN 2 कैटेगरी प्लांट्स को फिर अलाउ किया जाएगा विदाउट द रेगुलेशन ऑफ GEAC. GEAC क्या होता है? एक स्पेशल कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ही, ये GM क्रॉप्स के सारे मैटर्स को गवर्न करते हैं. हमें SDN वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा यहाँ पर, और जीन एडिटिंग एंड GMO डेवलपमेंट अलग कैसे होते हैं. तो पहले जीन एडिटिंग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. जीनोम, जो हमारा जीन होता है ना, उसको एडिट करने का मतलब, कोई भी चीज़ आप एडिट करते हो तो क्या करते हो, हम उसमें कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करते हैं. तो यहाँ पर जीनोम वाले में हम लोग DNA जो होता है सेल का, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर देंगे, कुछ ऑल्टर कर देंगे. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इनमें मॉडिफिकेशन किया जाता है जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को. हम लोगों ने जीन्स CRY1AC को इंट्रोड्यूस किया था, CRY2AB को भी. बेसिक डिफरेंस ये होता है GMO के अंदर और जीन एडिटिंग में और GMO के अंदर, कि जो जीन एडिटिंग होता है ना, उसमें फॉरेन मटेरियल कुछ ऐड नहीं होता, बट GMO जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें हम फॉरेन मटेरियल को ऐड ज़रूर करते हैं. GMO में जो टेक्निक होती है फॉरेन जीन की, उसमें DNA के स्ट्रैंड को ऐड किया जाता है, लाइक ये वाला जो पार्ट है ना, इसको इसकी जगह पर ऐड कर दिया जाएगा. तो क्या होगा, अब जो क्रॉप का जीन को हमने एडिट कर दिया है, तो क्रॉप में कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने बाहर से इंट्रोड्यूस की थी इसमें, तो उसमें कुछ ना कुछ वो भी जो भी डिज़ायर्ड हमको रिजल्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेंजेस करते हैं. क्रिस्पर जीन एडिटिंग क्या है? ये टेक्निक होती है, जीन को कट किया जाता है और फिर DNA को मॉडिफाई किया जाता है. अब इससे क्रॉप का DNA चेंज हो जाएगा, लेकिन ये टेस्ट डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप को ट्रेडिशनल टेक्निक से कैसे चेंज किया जाएगा. SDN1, SDN2, SDN3. SDN क्या होता है? ये बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं. तो कह सकते हो कि SDN एक टाइप ऑफ एंजाइम है, जहाँ पर हम क्लीविंग करते हैं DNA स्ट्रैंड्स का. तो न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड कर देते हैं. तो ये बहुत एसेंशियल हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए और इनके सेवरल DNA रिपेयर एस्पेक्ट्स के लिए. तो इसकी एडिट करने की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसके 3 वेरिएशंस हैं, SDN1, SDN2 एंड SDN3. SDN3 इज ऑलमोस्ट लाइक GMO ओनली, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. 1 और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये जीन एडिटिंग वाली कैटेगरी कह सकते हो आप, और ये कह सकते हो आप GMO वाली, क्योंकि SDN1 और SDN2 में कोई भी फॉरेन मटेरियल हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करते. तो SDN1 में जब भी हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं होस्ट जीनोम के DNA में, तो उसमें बहुत ही स्मॉल डिलीशंस वगैरह इंसर्शंस की जाती हैं. SDN2 में जो एडिटिंग होती है, उसमें स्मॉल DNA टेम्पलेट ऐड किया जाता है, ताकि नए स्पेसिफिक चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सकें. अब DNA एडिटिंग को ज़रा देख लेते हैं. DNA की एक एडिटिंग टेक्निक है, उसको बोलते हैं क्रिस्पर, या फिर आप बोल सकते हो Cas9. Cas9 UPSC ने 2 साल बैक टू बैक पूछा था. तो ये एक बायोलॉजिकल वर्जन की तरह काम करता है. तो टेक्निक काम कैसे करेगी? ये आपका न्यूक्लियस था, यहाँ पर सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में होता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर ये कुछ स्ट्रैंड्स होते हैं, ये स्पेसिफिकली डिजाइंड सिंथेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये टारगेट DNA को फाइंड करेंगे, और इसके लिए गाइड मॉलिक्यूल भी होता है जो इसको गाइडेंस देता रहेगा. फिर DNA कटिंग एंजाइम जो ये होता है ना एंजाइम, ये इसको कट कर देगा, यहाँ से कट कर दिया, ये डिफेक्टिव DNA स्ट्रैंड है. गाइडेंस मतलब आइडेंटिफाई किया कि यार इसमें पर्टिकुलर DNA में डिफेक्ट कहाँ पर है, तो DNA कटिंग एंजाइम ने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको कट कर दिया गया. यहाँ पर इसमें हेल्दी DNA स्ट्रैंड ऐड कर दिया जाता है, तो ये गाइड करता है, फिर ये हेल्दी DNA कॉपी होती है, DNA कटिंग जोन, इसको बोलते हैं एडिटिंग करना. जैसे मैं ये वीडियो आपके सामने प्ले कर, आप वीडियो देख रहे हो, अब मैंने इस वीडियो को जब रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं भी यही करता हूँ, कभी कभी बीच में कुछ गलत रिकॉर्डिंग हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिकॉर्ड करते करते ना ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं होती, और फिर मुझे चेक करता हूँ तो पता चलता है अरे यार ये तो नुकसान हो गया, तो फिर मुझे उसको दोबारा से करना पड़ता है. तो आप चेंजेस करते रहते हो, डिज़ायर्ड चेंजेस जो भी होते हैं वो करते रहते हैं, एडिटिंग का यही प्रोसेस होता है. ये प्रॉपर प्रोसीजर काम कैसे करेगा? ये 3 स्टेज का होता है, अनवाइंड करो, क्लीव करो और रीवाइंड कर दो. अब अनवाइंड मतलब ओपन करो स्ट्रैंड को, क्लीविंग करो, जो भी आपको कट करना है कट करो, पेस्ट करना पेस्ट करो, फिर रीवाइंड कर दो, फिर उसे क्लोज कर दो. इसके लिए हम एक टाइप ऑफ एंजाइम यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंजीनियर्ड न्यूक्लीज. जीनोम एडिटिंग की टेक्निक में क्रिस्पर Cas9 होता है, इसके लिए एमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को नोबेल प्राइज मिला था 2020 में, रिसेंट का है एक्चुअली, तभी ये न्यूज़ में आया था, तभी ये प्रीलिम्स में पूछा गया था. जिंक फिंगर न्यूक्लियस भी होता है,
और टेलन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। नाम याद रखो और ये जान के रखो कि एडिटिंग टेक्निक है, यूपीएससी इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। लाइक इतना आइडिया रख लो, ZFN टेक्निक क्या किसके लिए होती है, टेलन टेक्निक किसके, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल हार्डली कोई ऐसा टाइम होता है कि जब यूपीएससी जीनोम एडिटिंग वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक है ये, जैसे सोलर हो गया, कोल हो गया, न्यूक्लियर हो गया और पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया ना, इनको कभी छोड़ता ही नहीं है यूपीएससी। तो उसी तरीके से ये जीनोम एडिटिंग वाला भी आपको देखना, हर पेपर में आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा इनसे। साइंस एंड टेक के न्यूज़ इन शॉर्ट कवर करते हैं हम। चंद्रयान 2 ने कुछ पहले ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट किए हैं, बेसिकली किस तरीके से आर्गन 40 मून के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर्गन 40 क्या है, एक इनर्ट गैस है, हम लोगों ने सबने बचपन में पढ़ा है ना, 6th, 7th, 8th में पढ़ते थे ये सब, नोबल गैस वगैरह, आर्गन, हीलियम वगैरह, ये सब चीज़ें हम पढ़ते थे। तो एक आइसोटॉप है आर्गन का ही। और चंद्रयान 1 पहला लूनर स्पेस प्रोब किया था इसरो का, और उससे मून पे हम लोगों ने वाटर को सर्च किया था एंड उसके बाद मैपिंग भी की थी इंफ्रारेड विजिबल एंड एक्सरे लाइट से। चंद्रयान 2 भी इंडिया का लूनर मिशन है, ये एक्सप्लोर करेगा अनचार्टेड साउथ पोल को, अनचार्टेड मतलब जहाँ पर पहले कोई गया ना हो। तो लैंडर है विक्रम, रोवर है प्रज्ञान और 2019 में लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 के थ्रू। इससे पहले नासा का जो अपोलो 17 है उसने भी आर्गन 40 को डिटेक्ट किया था। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑब्जर्वेशन है आर्गन 40 का लूनर एक्सोस्फीयर में। एक्सोस्फीयर मतलब होता है जो आउटर मोस्ट रीजन होता है ना अपर एटमोस्फीयर का, उसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर। GSAT-7B एंड इंडियाज अदर मिलिट्री सेटेलाइट। सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक प्रोक्योरमेंट पैनल है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है टू गेट समथिंग, तो उसको डिफेंस मिनिस्टर ही चेयर करते हैं। तो उन्होंने किया था एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि पहला स्टेप क्या है प्रोक्योरमेंट का, इंडिजिनसली डिज़ाइन है। और GSAT-7B ये बेसिकली एक काइंड ऑफ कह सकते हो मिलिट्री सेटेलाइट है। तो GSAT-7 सेटेलाइट 2013 में लॉन्च की गई थी इंडियन नेवी के लिए। करंटली आर्मी 30% यूज़ करता है इसकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को, और GSAT-7 की सीरीज़ को इसरो ने डेवलप किया है। इसके अलावा भी कुछ मिलिट्री सेटेलाइट्स हैं, जैसे EMISAT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सेटेलाइट है, RESAT भी है, 2BR1 ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार इमेजिंग सेटेलाइट्स हैं। एक्सोमार्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सोमार्स एक मिशन है। तो इनका एम है कि क्वेश्चन करते हैं कि मतलब बेसिकली इनको ये सर्च करना है कि मार्स के ऊपर लाइफ है या नहीं है बस। तो सितंबर 2022 में ये मार्स रोवर डिलीवर करेंगे, अभी करने वाले थे, थोड़ा सा उसमें डिले हो गया है इसलिए टॉपिक न्यूज़ में था। दो चीज़ें हैं, क्लस्टर बॉम्ब और थर्मोबैरिक वेपन्स। क्लस्टर बॉम्ब में क्या होता है ना, ये जैसे बॉम्ब हो गया ना, ये बॉम्ब जाएगा, इसका एक पीछे का एक हिस्सा खुलता है और इसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकल जाते हैं, तो ये पब्लिक को नुकसान करते हैं। मान लो आपने भीड़ के ऊपर छोड़ दिया ना, तो सब भीड़ के हर पर्सन को लगभग जाकर कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा, तो उससे नुकसान बहुत होता है। तो ये कह सकते हो बॉम्बलेट्स हो सकते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं बहुत। तो लेकिन ये ना नॉन प्रिसाइजन वेपन होता है। नॉन प्रिसाइजन एक तो होता है प्रिसाइजन, कि आप एकदम सटीक निशाना लगा के छोड़ते हो, तो क्लस्टर म्यूनिशंस जो होते हैं ये नॉन प्रिसाइजन होते हैं। लाइक आप ओपन में जहाँ लार्ज काउंट में लोग होते हैं ना, वहाँ पर आप इसे छोड़ दो। तो ये रिसेंटली जो रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, वहाँ पर ये यूज़ किया गया था। एक होता है थर्मोबैरिक वेपन, इसमें ना एरोसोल को यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि वेपन है ये बहुत प्रिसाइजन के साथ, यानी कि सटीक निशाना लगा के इसको छोड़ा जाएगा, एक पर्टिकुलर जगह पर आप छोड़ो तो एक स्मॉल एक्सप्लोजन होगा, उसमें एक एक्सप्लोजिव मटेरियल यानी कि एरोसोल बाहर निकलेगा, फिर वो एरोसोल एयर के साथ करके एक और ब्लास्ट करेगा, उससे क्या होता है कि काइंड ऑफ एक फायर बॉल बन जाती है बहुत बड़ी सी। तो ये वाला जो बॉम्ब है ना थर्मोबैरिक वाला, इसको किसी भी इंटरनेशनल लॉ ने बैन नहीं किया हुआ है, बट ये जो क्लस्टर म्यूनिशंस है ना, इसके लिए कन्वेंशन साइन किया गया था, उसको 110 पार्टीज ने साइन किया था, इसको बैन किया हुआ है। लेकिन रशिया, यूक्रेन और इंडिया ने इसके सिग्नेटरीज नहीं हैं हम लोग। तो इंडिया क्लस्टर म्यूनिशंस यूज़ करता है, लेकिन ग्राउंड आर्टिलरी में और रॉकेट्स एंड मिसाइल में भी साथ में कर लेता है। मैन पैड क्या होते हैं, ये भी छोटी छोटी एयर मिसाइल्स ही होती हैं, इवन आप इसको अपने कंधे पर कैरी कर सकते हो। और फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस सिस्टम होता है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब होता है कि निशाना लगाओ, फायर करो और भूल जाओ, क्योंकि ये एक्यूरेसी पे काम करती है। कामिकाजे ड्रोन्स, छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, स्विचेबल ड्रोन्स होते हैं, इनको रडार पे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और यूएस ने सप्लाई किया इनको यूक्रेन को अभी। कवच, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी न्यूज़ में था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बेसिकली एक ऐसा गाइडेंस, एक प्रोटेक्टिव सिस्टम जनरेट किया है, जैसे दो ट्रेन्स है ना, इसमें RFID रीडर होगा, इसमें RFID रीडर होगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन एरर के कारण, अगर एक सेम ट्रैक पर दोनों ट्रेनें आमने सामने से आ रही होंगी,
तो ये जो कवच सिस्टम है ना, इसको 2012 से डेवलप कर रहे थे, 10 साल हो गए इसको डेवलप करते हुए। तो ये एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेगा कि सामने से ट्रेन आ रही है, और ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। लेकिन इसको डेवलप किया है RDSO ने, इसका नाम है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड को भी स्विच कर देगा, ब्रेक लगा देगा, या फिर हूटर साउंड क्रिएट कर देगा। तो कवच, कवच हिंदी का शब्द है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है शील्ड। बड़ी एडवांस चीज़ है, बहुत अच्छा था, इसकी वीडियोस देखना आप लोग, बहुत सेंसिबल चीज़ बनाई है और बहुत सारे एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करेगा ये। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, ये पहला और ओनली ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। तो WHO ने इसे अप्रूवल दे दिया है जामनगर गुजरात में। GCTM के क्या बेनिफिट होंगे? आयुष सिस्टम जो होते हैं वो ग्लोब पर उसको एक रिकॉग्निशन मिलेगा। आयुष के फुल फॉर्म याद रखना, कल को आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हो और लिखते हो कि मुझको तो योगा मेडिटेशन में इन सब में इंटरेस्ट है, वो पूछ लेंगे बेटा आयुष के फुल फॉर्म बता दो। तो आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी का एन यहाँ पर नहीं है, बट मतलब एन नेचुरोपैथी है लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ना आयुष वर्ड अच्छा लग रहा था। आयुष वर्ड जो होता है ना, इसका अर्थ मतलब जिसका नाम आयुष होगा उनको पता होगा, बट एज फार एज आई नो कि आई हैव ए फ्रेंड इसका नाम आयुष ही है, तो उसने बताया था एक बार कि आयुष का मतलब होता है कि जिसकी लंबी उम्र होती है, ऐसा कुछ होता है। तो उन गवर्नमेंट को ये वर्ड बहुत सही सटीक लग गया, अगर ये नेचुरोपैथी का एन यूज़ करते ना तो ये आयुष नहीं बन पाता। तो यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये तीन चार चीज़ें हैं, और इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो थोड़ा बहुत भी। तो और क्या कुछ स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए? आयुर्वेद हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में काउंट होता है ना। एक स्कीम है, वॉलंटरी सर्टिफिकेशन दिया जाता है योगा प्रोफेशनल्स को, एक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है, और ताकि इस योगा की नॉलेज में ना कंट्री में यूनिफॉर्मिटी हो, ऐसा ना हो कि नॉर्थ में कोई कुछ योगा सिखा रहा है, साउथ में कोई कुछ सिखा रहा है। तो आयुष मिनिस्ट्री का जब सर्टिफिकेशन मिल जाता है ना तो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मैंने देखे हैं ये वाले सर्टिफिकेशंस योगा प्रोफेशनल्स के। आयुष इन्फॉर्मेशन सेल भी है, 31 कंट्रीज़ में है, वहाँ पर आयुष सिस्टम को लेकर के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये स्प्रेड करता है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे था। अब देखो मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, 24 अप्रैल गुजर चुका है, मैं 25 अप्रैल को ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो विजन की मैगज़ीन थोड़ा लेट पोस्ट होती है, लेकिन विजन की मैगज़ीन में कॉन्टेंट बहुत अच्छा होता है, तो इनको 15-20 दिन लग जाते हैं सब कुछ अरेंज करने में एंड ऑल। तो जब ये वर्ल्ड टीबी डे था तो हमको पूरा टीबी वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थीम का नाम क्या था? कमिंग टुगेदर टू एंड टीबी ऑल टुगेदर। एंड 2021 में 19% इंक्रीमेंट देखने को मिला था टीबी के पेशेंट्स में। रिजल्ट जो है नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे के, उसमें पता चला था कि मेजॉरिटी जो 64% है वो सिम्टोमेटिक पॉपुलेशन है, ये लोग हेल्थ केयर सर्विस को चेक नहीं करने, उसमें नहीं जाते, लाइक हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं अडॉप्ट करते हैं। टीबी क्या है? टीबी एक बैक्टीरियम के थ्रू होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। बैक्टीरिया जो वर्ड है ना वो प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड होता है बैक्टीरियम। कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इंसान से इंसान पर फैल जाती है। इंडिया का टारगेट है 2025 तक एलिमिनेट करने का, WHO का टारगेट है 2030 तक, तो इंडिया ने 5 साल पहले का बनाया हुआ है। और क्या स्टेप्स लिए? नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान बनाया था 2017 से 2025 का, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है हमारा, और ये स्कीम है, और एक कैंपेनिंग था टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो ये चीज़ें हैं टीबी को लेकर के। बैक्टीरिया वगैरह याद रखिएगा, टारगेट याद रखना है, और इंक्रीमेंट हुआ है देखने में, तो COVID-19 से मैच करके हो सकता है UPSC कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दे। प्लस में मोर्टेलिटी रेट जो था ना वो भी इंक्रीज़ हुआ है ऑलमोस्ट 11% के साथ, यानी कि जो लोग टीबी से ग्रस्त हैं उनकी डेथ भी हुई है। जनवरी में हम लोगों ने टॉपिक किया था कि वहाँ पर एक पर्सन की बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, यानी कि किसी एनिमल से की बॉडी का ऑर्गन उसमें लगाया गया था। तो जनवरी की मैगजीन में ये कवर किया था। फेब की मैगजीन में हम लोगों ने HIV एड्स का ट्रीटमेंट वाला किया था स्टेम सेल्स से, और अभी मार्च की मैगजीन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जनवरी में जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था ना उस पर्सन की डेथ हो गई थी, और ये मैंने आप लोगों को फेब की मैगजीन में बताया भी था कि इस पर्सन की डेथ हो गई थी। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जीनो का मतलब होता है फॉरेन, स्ट्रेंजर, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन काम ना करे, तो अगर उस टाइप का ऑर्गन किसी एनिमल की बॉडी में है और वो मैच करती है, जो एनाटॉमी है वो मैच करती है, तो वो आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। मैंने ऊपर से एक मतलब लमसम सी लैंग्वेज बताई है, मतलब वो डेफिनेशन बताई है, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन में तो बहुत कुछ मेंशन हो जाएगा। कहानी यही होती है कि आप दूसरी किसी चीज़ को अपनी बॉडी में लाने की कोशिश करते हो, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का वो पर्टिकुलर ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर देता है। और इस केस में इस पर्सन की बॉडी में पिग के ऑर्गन को इम्प्लांट किया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद अच्छा इसमें जो रिजेक्शन मिलता है ना वो इम्यूनिटी सिस्टम से मिलता है, तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिजेक्ट कर देता है। ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम, कि कुछ माइक्रो प्लास्टिक्स डिस्कवर किए गए हैं ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट टाइम।
और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम में क्रॉसिंग कर सकते हैं क्या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, और उसके कारण कोई डिजीज़ हो सकती है नहीं हो सकती है। इस चीज़ पर UPSC एक स्टेटमेंट बना सकता है और ये आपके ज्ञान के लिए है कि आप भी थोड़ा संभल जाएं, कोशिश करें कि प्लास्टिक की बोतल में पानी ना पिएं। कुछ प्लास्टिक के मटेरियल्स ऐसे हो सकते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, बट ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक टाइप की चीज़ें होती है ना, पॉलीथीन वगैरह की या फिर प्लास्टिक के यूटेंसिल्स में खाना खाना, गर्म खाना खाते हैं ना प्लास्टिक के यूटेंसिल में, उससे भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। सो कोशिश करें स्टील या ग्लास का जो यूटेंसिल होता है वो यूज़ करें। स्टील इज़ बेस्ट, गोल्ड तो यूज़ कर नहीं पाओगे, चांदी का भी हिसाब होगा नहीं, कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, कॉपर लिमिटेड यूज़ करना होता है। जो कॉपर वो आता है ना लोटा, तो उसमें पानी पीने तक ठीक होता है, लेकिन सारा खाना कॉपर में खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तांबा इज़ गुड इनफ, स्टील इज़ वेरी गुड, ग्लास इज़ ऑल्सो गुड इनफ, ग्लास का भी कोई खास नुकसान नहीं होता। अच्छा, ग्लास का दूसरा नाम होता है सुपर कूलिंग लिक्विड, बस पता होना चाहिए आपको, ऐसे ही बता रहा हूँ। UPSC की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में आपको जो भी कुछ कंटेंट मिलेगा उसमें 700 से ऊपर माइंड मैप्स हैं आपको स्टैटिक के, करंट अफेयर्स के, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से और सनसेट टीवी वगैरह से आते हैं। आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, चेकलिस्ट है, मेंस के क्वेश्चनियर वगैरह हैं, निमोनिक्स वगैरह हैं। तो मैंने हर एक चीज़ का सैम्पल आपको दिखाया हुआ है इसी वीडियो में। सैम्पल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर वो टाइम स्टैम्प है, उसको क्लिक करके आप सैम्पल देख सकते हो, और डाउनलोड का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में ही है। इस बार मेंस 2021 में इस बुकलेट के हम लोगों ने जो माइंड मैप्स क्रिएट किए थे ना, उसमें से मोर देन 20 प्लस क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए थे, तो आराम से आप कवर कर सकते थे। तो डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए, बाकी डिटेल्स सारी वहाँ पर हैं। अब हम कल्चर सेक्शन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 8.1 है इंडियाज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि नरसिंह पेट्टई नागस्वरम एक विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तमिलनाडु का, इसे GI टैग मिला है अभी। GI टैग क्या होता है ये पूरा डिटेल में जानेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है कार्नेटिक कॉन्सर्ट को लेकर। यूनिक फीचर ये कि इसको हाथ से ही बनाया जाता है, और थंजावुर का नरसिंह पेट्टई विलेज है वहाँ पर इसे हाथ से बनाते हैं। तो 200 साल पुराना कुछ जो वुड वगैरह होता है ना उसको यूज़ करके, और क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व नहीं करता। इतना बेसिक सा जानना इसके बारे में आपका काफ़ी है। GI टैग के बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता रहता है, आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट ईयर या फिर बैक टू बैक आता रहता है। तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक साइन के तौर पर हम GI टैग यूज़ करते हैं। GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कोई भी नेटिव प्लेस से क्या बिलोंगिंगनेस है उसको रिकॉग्नाइज करता है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर TRIPS जो WTO है वो प्रिस्क्राइब करता है कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए GI टैग के। इंडिया में 1999 का एक्ट है, 2000 से इसके रूल्स को लागू कर दिया गया था। तो इस एक्ट के अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेड्स मार्क, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हैं, डिटेल्स ही याद रखनी ज़रूरी हैं, यहाँ से प्रिलिम्स के क्वेश्चन के ऑप्शंस बन जाते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडेक्शन ये सुपरवाइज करते हैं फंक्शनिंग ऑफ GIR, इनकी जो रजिस्ट्री होती है पूरी, और GIR चेन्नई में है। प्रोटेक्शन की बात करें तो GIR जब GI टैग मिल जाता है तो उसके बाद पर्सन जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है ना तो उसके पास एक राइट होता है, मतलब लाइक एनीवन हु हैज़ दिस GI टैग ना, दे हैव द राइट टू यूज़ द इंडिकेशन टू प्रिवेंट इट्स यूज़ बाय थर्ड पार्टी, यानी कि कोई दूसरा अगर इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा और अगर वो उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, एप्लीकेबल जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। हाँ, आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो अगर आप प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो तो। 10 साल के लिए GI टैग मिलता है और उसके बाद आप इसको रिन्यू कर सकते हो। एंड अगर आपने फॉल्सिफिकेशन कुछ किया है, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है, कुछ करप्ट मेथड वगैरह से फ्रॉड किया होता है तो पेनल्टी भी लग जाती है। और दूसरा सेक्शन है इस टॉपिक का इवोल्यूशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। भारत के अंदर अर्लीस्ट जो एविडेंस मिलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वो जो हमारी भीमबेटका केव्स हैं वहाँ से मिलते हैं, वहाँ की पेंटिंग्स में कुछ मेंशन होता है। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन किया था, वहाँ भी एविडेंस मिले थे कि भारत के अंदर डांस और म्यूज़िक की एक्टिविटी पहले के ज़माने में किस तरह हुआ करती थी। तमिल वर्ड है इंस्ट्रूमेंट के लिए करुवी, वो मिलता है संगम लिटरेचर में। और हस्तवीणा वगैरह के लिए हैंड यूज़ किया गया था, यानी कि ये फिर अलग अलग तरह का इवोल्यूशन होता है म्यूज़िक का। हम ये देखते हैं कि नाट्यशास्त्र में जिसको भरत मुनि ने कंपाइल किया था तो उन्होंने 4 मेन कैटेगरीज बताई थी कि किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस की जा सकती है। तो एक था अवनाद वाद्य, यानी कि एनिमल स्किन के ऊपर आपको स्ट्राइक करना होगा, जैसे तबला होता है ना तो तबले के ऊपर वो एनिमल स्किन होती है ना उस पर आपको स्ट्राइक करना पड़ता है।
इसका मेंशन वेदास में भी होता है। एक होता है तात्वेद्य, वाइब्रेशन वगैरह से, जैसे जो वीणा वगैरह होता है ना, तो आप में जो स्ट्रिंग्स होते हैं आप उसको मूवमेंट कॉज करते हो तो उससे वाइब्रेशन होती है, उससे आवाज़ निकलती है। तो इसके हमको एविडेंस मिलते हैं सांची स्तूप वगैरह में, बरहौत वगैरह में। पंडित शिव कुमार शर्मा फेमस संतूर प्लेयर हैं, उस्ताद सुल्तान खान रिनॉन प्लेयर हैं सारंगी के। अच्छा, मैं ये कुछ चीज़ें जैसे मैंने डमरू के टाइप क्या क्या होते हैं, हुड़क्का तिमिला वगैरह, भाई इनको मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि कभी याद होते ही नहीं है। तो आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें फैक्चुअल चीज़ों को जनरली आप इग्नोर करते हो, बट आप एक रीडिंग भी देते हो तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि भाई चार टाइप के ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन इतना डीप में आएगा ना तो वो उस साल के एग्ज़ाम का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा। तो उस क्वेश्चन को 99.9% जो एस्पिरेंट्स होंगे वो स्किप करके आएंगे। एक होता है घन वाद्य, जैसे ये जो होते हैं ना बेल्स टाइप के कुछ होते हैं, तो इनको आपस में स्ट्राइक करते हैं तो उससे साउंड निकलती है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड तरीके से यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये वो डेफिनेट पिच प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसका एविडेंस हमें मिलता है ओडिशा का जो हमारा सन टेम्पल है कोणार्क वाला, उसमें। फिर है सुशीर वाद्य, ये जब आप ब्लो करते हो वन, जैसे हमारी जो फ्लूट होती है बांसुरी, उस तरीके का होता है। और हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें तो श्रृंगदेव जो थे वहाँ पर इसके उस 13th century में, तो संगीत रत्नाकार थे, इसको लिखा गया था श्रृंगदेव के द्वारा, वहाँ पर उस म्यूजिकल टेक्स्ट में इसके बारे में पता चला था। और वेदास में भी लिखा था इंस्ट्रूमेंट वेनु के बारे में। फ्लूट्स वगैरह होती हैं, रीड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे शहनाई वगैरह होती है ना, वो रीड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये जो जिसको GI टैग मिला था, नरसिंह पेट्टे नागस्वरम, ये भी थोड़ा थोड़ा शहनाई टाइप का हिस्सा ही होता है, लाइक इसका शेप कुछ कुछ ऐसा सा जाता है। नहीं नहीं, मैंने कुछ अजीब सा ही बना दिया है, तो मेरे को आज ट्राई करने दो, आज मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब थोड़ी सी शेप सी आ रही है। तो फिर इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के, मतलब इस पर वो थोड़ा फ्लूट टाइप का सा यहाँ होल्स होते हैं और फिर इस रीजन से आवाज़ आती है, तो ऐसा कुछ। अरे सही बन गया यार मतलब ठीक है, ऐसा सा कुछ कुछ होता है। तो ये ना रीड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं शहनाई टाइप में, तो ऐसा सा होता है वो। उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी हैं, उनको बेसिकली इस तरह के फ्लूट वगैरह के लिए, जो एयर वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको पॉपुलराइज़ करने के लिए रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और आज की डेट में पंडित अनंत लाल हैं, पंडित दयाशंकर जी हैं, ये भी शहनाई प्लेयर्स हैं बहुत पॉपुलर। बस ये टॉपिक में इतना ही कुछ था। GI टैग वाला ये जो बॉक्स है ना, इसकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बेसिक कंटेंट है और इसमें ये सब कौन कौन क्या करता है, कौन से साल का एक्ट है। क्योंकि GI टैग्स का ऐसे टाइम पे क्या करना होता है ना, जब आपका एग्ज़ाम हो ना, तो उसे दो दिन पहले आप ये लिस्ट वगैरह PT 365 में आ ही जाएगा, तो आ ही चुका है कल्चर वाला, तो आ ही चुका है ना टॉपिक, और फिर लास्ट की एक रिव्यू अपडेट मटेरियल और आएगा, तो उसमें देख के चले जाओ कि पिछले 6 महीने में साल भर में किस किस को GI टैग मिला है। तो अगर आएगा तो वहीं से आएगा, उसके बियॉन्ड कुछ आ रहा हो तो वो किसी ने भी नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि कोई इतना पागल नहीं होगा कि एक साल पहले किस किस को GI टैग मिला था वो भी पढ़ के जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कोई रिपीटर होगा, पिछले 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर साल करंट अफेयर तो पढ़ता ही है, तो उसको शायद 2 साल पुराना कोई GI टैग हो, वो क्लिक कर जाएगा एग्जाम में देख के। बट आपका कॉम्पिटिशन वहाँ नहीं होता, आपका कॉम्पिटिशन होता है पिछले 1 साल का करंट अफेयर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उतना कवर करना तो बेयर मिनिमम होना ही चाहिए। टॉपिक नंबर 8.2 है पैका रिबेलियन के बारे में। रिसेंटली सेंटर ने कहा था कि जो पैका रिबेलियन है इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मान सकते। सो सिंस ये पैका रिबेलियन 1857 से पहले हुआ था और 2017 से ही ओडिशा गवर्नमेंट चाह रही थी कि सेंटर इसको डिक्लेयर कर दे कि ये था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट राइट नाउ गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इंडियन म्यूटनी हुई थी या फिर जिसे हम सिपॉय म्यूटनी कहते हैं 1857 की, उसे ही हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानेंगे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सजेस्ट किया था कि वो इसे केस स्टडी के लिए इंक्लूड करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में NCERT की। 2018 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प और एक कॉइन रिलीज़ किया था पैका रिबेलियन को लेकर। हम इस रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट रिवाइज हो जाएगा। तो टाइम पीरियड था 1817 से 1825 तक। ओडिशा में लीडर्स थे बख्शी जगबंधु और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ही रिबेल किया गया था। तो आर्म्ड रिबेलियन था, हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, ओडिशा में हुआ था ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, और ये तकरीबन 40 साल पहले, यानी कि 1857 में तो अपना वो चल ही रहा था, उससे तकरीबन 40 साल पहले ही हुआ था। ये थे कौन, ये पीजेंट मिलिटियाज थे जो गजपति रूलर था ओडिशा का वहाँ के, और वहाँ के जो रूलर था वो इनको एज ए मतलब मिलिट्री की तरह कंसिडर करते थे, ये अपनी मिलिट्री सर्विस ऑफर करते थे गजपति को, तो वो इनको रेंट फ्री लैंड दे देते थे कि ठीक है आप किराया मत दो और यहाँ पर रहो आराम से, किंगडम ऑफ खुर्द में। तो ब्रिटिश ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था ओडिशा में, तो वहाँ से EIC ने जो किंग थे खुर्द के उनको डीथ्रोन कर दिया था, उनको गद्दी से हटा दिया था।
तो पैकाज जो थे अंडर बख्शी जगबंधु विद्यार, जो मतलब उनका चीफ था मिलिट्री आर्मी का, गजपति किंग का, इन्होंने रेबल कर दिया था। इन्होंने वहाँ के ट्राइबल्स का और बाकी जो सेक्शंस होते सोसाइटी के उनका भी सपोर्ट लिया था, और इनको बाकी जो ज़मींदार विलेज हेड्स थे उन्हें उन्होंने भी सपोर्ट किया था। तो ये जो रेबल था, ये जो क्रांति थी, काफ़ी हद तक फैल गई थी, बहुत सारे कन्फ्रंटेशंस भी हुए थे, बट इसको इवेंचुअली ब्रिटिश आर्मी ने ओवरपावर कर दिया था। और जो विद्याधर थे उनको 1825 में इम्प्रिजन कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, और उसके 4 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी जेल में ही। तो पेका रिबेलियन का कॉज क्या था? जनरली अगर आप देखोगे तो GS1 आपका जो मेंस का पेपर होता है वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाएंगी, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। सो कॉज ये था, आप सोच के देखो, अगर आपको इसका कॉज नहीं भी पता हो, मान लो एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो आपको इन जनरल पता है कि EIC के कारण, ब्रिटिशर्स के कारण क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी। लैंड रिवेन्यू का सिस्टम की प्रॉब्लम चल रही थी, नए लैंड मतलब ज़मीन से जो रिवेन्यू लेना होगा उसके नए नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। ब्रिटिश की एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसीज़ हुआ करती थी जो ओडिशा वाले लोगों के लिए बिल्कुल ही इनटॉलरेबल होता जा रहा था। न्यू करेंसी सिस्टम लेके आए थे, जो कौड़ी थी उसको रिप्लेस करके रुपी लेके आए थे। लोकल जो महाजन थे उनको एक्सप्लोइट किया जा, वो एक्सप्लोइट कर रहे थे वहाँ के लोगों को। ब्रिटिश की सॉल्ट पॉलिसी थी, जो कोस्टल रीजन था वहाँ पर ये सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने नहीं देते थे, अलाउ नहीं करते थे, डिप्राइव कर देते थे उनको। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे बाद में, जब ये पूरा का पूरा रिबेलियन हो चुका था, उसके बाद ये हुआ था कि वहाँ के लोगों को थोड़ा सा गवर्नमेंट के जॉब्स में इन्होंने एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट कर दिया था। सॉल्ट का प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया था, लोकल ज़मींदार्स के ऊपर रेवेन्यू का बर्डन कम कर दिया गया था, और पैकास जो थे इनको फोर्स किया गया था कि अपने जो मिलिट्रिया वाला जो ये प्रोफेशन उन्होंने चूज़ किया था इसको वे ड्रॉप कर दें। मैनेजमेंट जो है जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी का, तो राजा मुकुंद देव टू, उनकी डेथ हुई थी 1817 में, उनके पुत्र थे रामचंद्र देव थ्री, इनको अलाउ कर दिया गया था कि वो पुरी चले जाएं। वो तो उनको एक एनुअल पेंशन भी अलाउ की गई थी कि वो जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का उसका चार्ज ले लें, उसके लिए पेंशन वगैरह। तो ये पेका रिबेलियन के बारे में था, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अपडेट है इसमें। कल्चर सेक्शन का टॉपिक नंबर 8.3 है न्यूज़ इन शॉर्ट, और पहला है 8.3.1 करेवाज। तो करेवाज क्या होते हैं? ये कुछ डिपॉजिट्स होते हैं बहुत ही थिक लैक्यूस्टीन, मतलब कि ये जो लेक होता है ना, तालाब, वहाँ पर मिलते हैं, और ग्लेशियल क्ले, वो जो अपना ग्लेशियर का क्ले बन जाता है, यानी कि ग्लेशियर जिस मिट्टी के ऊपर होता है ना, वहाँ पर आपको ये डिपॉजिशंस मिलेंगे। इसमें कुछ और भी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये कारेवाज वगैरह नहीं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क बहुत बढ़ता जा रहा है और इलीगल तरीके से क्ले की माइनिंग भी हो रही है। तो कश्मीर वैली में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, उसके कारण से ही जो हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स होते हैं करेवाज, उनको एक्सकवेट किया जा रहा है। तो इनका फॉर्मेशन कब हुआ था? प्लीस्टोसिन पीरियड में हुआ था, 2.6 मिलियन ईयर्स पहले। और सिग्निफिकेंस क्या है? एग्रीकल्चर के लिए, तो कश्मीर के लिए आपको, हमको पता होगा कि इंडिया में कश्मीर में सैफरन मिलता है और उसको GI टैग भी मिला हुआ है, फिर आलमंड्स, बादाम वगैरह, एप्पल्स और बाकी भी दूसरी कैश क्रॉप्स भी मिलती हैं, तो वहाँ एग्रीकल्चर के मामले में ही काफ़ी यूज़फुल होता है। सैफरन जो हेरिटेज एंड कल्टिवेशन होता है कश्मीर वैली का, उसको ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम भी कंसिडर किया था FAO ने, और GI टैग 2020 में मिला था। आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर कुछ फॉसिल्स मिल जाएंगे हमको, पास्ट में जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस थी, हैबिटेशंस थी उनके। GI टैग्ड कश्मीर कारपेट्स, तो पहला जो GI टैग्ड कश्मीर कारपेट्स था वो जर्मनी एक्सपोर्ट किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड ने GI टैग दिया था कश्मीर में जो हाथ से जो बुनी हुई कारपेट्स होती हैं उनको 2016 में। तो इनकी शुरुआत हुई थी, सूफी संत और स्कॉलर थे हज़रत मीर सैयद अली हमदानी पर्शिया के, उनके ज़माने की चीज़ हैं ये। तालीम एक कोडेड कलर चार्ट होता है जो ये इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि कितनी गांठें डाली गई हैं उसको बुनने के लिए। पाल दद्व मैसकर, ये अब मुझे ना इसका प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा था, मैंने गूगल पे किया तो दद्व ही समझ में आया था, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ कीजिएगा। 7 मार्च को गुजरात की गवर्नमेंट ने 100 ईयर्स सेलिब्रेट किए थे पाल किलिंग्स के। तो ये जो मैसकर हुआ था ये पाल चितरिया और दादव विलेजेस जो हैं गुजरात का एक सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से हुआ था। और ब्रिटिश ऑफिसर थे मेजर HG सुतौन मेवाड़ भील कॉप्स के, उन्होंने यहाँ पर ओपन फायरिंग कर दी थी इनोसेंट टाइप जो ट्राइबल्स थे उनके ऊपर। तो वो लोग ट्राइबल्स क्यों कर रहे होंगे? ऑब्वियस सी बात, अपने लैंड को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, उनके ऊपर टैक्स वगैरह इम्पोज किया गया था। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, रिसेंटली जो कोझिकोड है
उसको उसका प्रपोजल दिया गया था केरला के द्वारा कि भाई इसको भी यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर में ऐड किया जाए। तो UCCN की शुरुआत 2004 में हुई थी एंड इंडिया में 6 इंडियन सिटीज़ इनको इंक्लूड किया जा चुका है, हैदराबाद गेस्ट्रोनॉमी के लिए, मुंबई फिल्म के लिए, वाराणसी म्यूज़िक के लिए, चेन्नई म्यूज़िक के लिए, जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के लिए, और लेटेस्ट एडिशन है श्रीनगर का क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए। तो हैदराबाद गेस्ट्रोनॉमी मतलब जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे हैदराबादी बिरयानी बहुत पॉपुलर है इसलिए, तो हर एक पर्टिकुलर सिटी की अपनी इंपॉर्टेंस है। ऑल चिक्की, पहली बार भारत के संविधान को ट्रांसलेट किया जाएगा, संतली स्क्रिप्ट है ओल चिक्की। 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था जहां पर 4 भाषाएं और ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि हमारे 8th शेड्यूल में ऐड की गई थी, उससे पहले 18 थी, 4 और ऐड कर दी गई, तो अब जाके 22 हैं। कौन से 4 ऐड की गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संतली। अब इसको याद करने का मैंने एक निमोनिक बताया था, आई थिंक 2-3 वीडियो पहले, शायद नवंबर या दिसंबर की जो मैगजीन की वीडियो थी उसमें बताया था। तो ओल चिक्की क्या है? ये एक स्क्रिप्ट है, इसको इन्वेंट किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में। संतल्स कौन थे? ये कम्युनिटी थी जो कि असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड झारखंड, तो आप देख लो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पर ये डोमिनेट करते थे, और ये जो लैंग्वेज है ये मुंडा ग्रुप को बिलोंग करती है। हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम, जैसे ही हॉर्नबिल का नाम आए तो हमेशा दिमाग में अरुणाचल प्रदेश आपको क्लिक करना चाहिए। तो जो ये फेस्टिवल था, जो हॉर्नबिल वाला फेस्टिवल होता है, ये अरुणाचल प्रदेश का ही होता है। 2011 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो हॉर्नबिल बेसिकली जो बर्ड होता है ना उसको कंजर्व करने के लिए किया गया था। तो इंडिया में 9 स्पीशीज़ मिलती हैं हमको हॉर्नबिल की, जिसमें से 4 मिलती हैं वेस्टर्न घाट्स में, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल और ये मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल एंड ग्रेट हॉर्नबिल, पंछी होता है बड़ा खूबसूरत सा ये। बामिया बुद्धास, तालिबान प्रिजर्व कर रहा है बामिया बुद्धास को मे अयांग, और जहाँ पर चाइना की नज़र है इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो बामिया बुद्धास क्या है? ये हिंदू कुश माउंटेन में सिचुएटेड है जो कि अफगानिस्तान में है, और ये तकरीबन 5th century AD से है। ये टॉलेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू बुद्धास हैं वर्ल्ड के, और लोकल इनको बोलते हैं सालसल और शम्मम। सो गुप्ता, ससासियन और हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड 2001 में तालिबान ने इनको ब्लो करना स्टार्ट कर दिया था, और 2 स्टैचूज़ को ब्लो भी कर दिया था, लाइक ब्लो मतलब उड़ा दिया था। तो यूनेस्को ने इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में ऐड भी किया था, पर तालिबान को क्या फ़र्क पड़ता है यूनेस्को से। पद्म अवार्ड्स 2022, वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था अभी। 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी, इसमें 3 कैटेगरीज है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्म विभूषण आपको मिलेगा अगर आपने बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है, बहुत ही डिस्टिंग्विश सर्विस की आपने। पद्म भूषण आपको देंगे अगर आपने काफ़ी डिस्टिंग्विश सर्विस की है हायर ऑर्डर की। पद्मश्री आपको मिलेगा डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। तो कोई भी एक्टिविटी डिसिप्लिन हो सकता है जहाँ पर पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व हो। रिकमेंडेशंस पद्म अवार्ड कमेटी के द्वारा दी जाती है, इसको प्राइम मिनिस्टर हर साल अपॉइंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आप अपना सेल्फ नॉमिनेशन भी दे सकते हो वेबसाइट पर। हालांकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग वो जो PSUs में काम करते हैं एंड एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, उन मतलब डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो उनको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। टोटल नंबर जो अवार्ड जो एक साल में दिए जाते हैं वो होते हैं मैक्सिमम 120, एक्सक्लूडिंग पॉस्थ्यूमस। पॉस्थ्यूमस मतलब जिनकी जब डेथ हो जाती है उसके बाद जिनको अवार्ड दिया जाता है ना वो। तो अवार्ड में एक सनद यानी कि एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको प्रेसिडेंट साइन करते हैं, एक मेडल मिलता है। पद्म अवार्ड्स में कोई कैश नहीं मिलता। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनस ट्राइबल गेम्स अंडर खेलो इंडिया स्कीम। तो फ्लैगशिप स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स, सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। तो कुछ हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, जैसे मल्लखंब जो है, मल्ल और खंब, मल्ल बोलते हैं वो जैसे कुश मल्ल किसको रेस्लर को बोलते हैं, मल्ल खंब मतलब जो पिलर होता है, तो ये ना एक पिलर टाइप का होता है। इसमें ना ये बहुत ही ज़बरदस्त मतलब बहुत पावरफुल आर्ट है, कभी इसके वीडियो सर्च करके देखना आप। मैंने तो ये लाइव देखा हुआ है इन लोगों को परफॉर्म करते हुए, और ये बहुत ही मतलब बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लेकिन बहुत ही कमाल की आर्ट है, गेम है एक काइंड ऑफ, और बहुत सुंदर है। तो इसमें योगा, जिमनास्टिक एंड मार्शल आर्ट्स इंक्लूडेड होता है। पोल, रोप, हैंगिंग, निर्धर यानी कि विदाउट सपोर्ट, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ें इनके टाइप्स होते हैं।
कलरीपट्टू केरला से है, फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, और कहते हैं कि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है, इसी से सब बाकी सारी आर्ट्स निकल के आई थी। गटका पंजाब का आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही सुंदर ये भी है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है, और जो सिख गुरुज थे हमारे उन सबको ये उस टाइम से ये एसोसिएटेड है हिस्टोरिकली। थंग टा मणिपुर, ये इसको हम ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को ह्योंग लालोंग भी बोलते हैं, मेथड है सेफ गार्डिंग का। योगासन, ये एक सीटेड पोस्चर्स हैं योगा वगैरह के, पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, वज्रासन हो गया। सिलंबम तमिलनाडु, ये वेपन बेस्ड इंडियन मार्शल आर्ट होती है, और तमिल की कम्युनिटी जो है श्रीलंका में मलेशिया में उनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था। आर्ट एंड कल्चर वाला ये लास्ट टॉपिक है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने चार फिल्म बॉडीज़ को मर्ज कर दिया है, फिल्म डिवीज़न, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया एंड चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। तो इसका मर्जिंग की शुरुआत 2016 में ही कर दी गई थी, क्योंकि इनको ऑटोनोमस बॉडीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रैशनलाइज करने की ज़रूरत थी। ऑनरशिप अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एंड नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन का एम है कि जो भी फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज थी अब इन सब का रिस्टोरेशन करना है, इनको डिजिटाइज करना है। फिल्म बॉडीज़ का रोल क्या होता है, फिल्म डिवीज़न का रोल होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के अंडर आता है 1948 में। इसको बनाया गया था कि ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, न्यूज़ मैगजीन्स बनाएंगे। सीएफएस जो था उनका काम, वो भी ऑटोनमस था 1955 से, इनका काम था बच्चों के लिए, यंग पीपल के लिए वैल्यू बेस्ड एंटरटेनमेंट क्रिएट करना। नेशनल फिल्म वाला जो था वो 1964 में आया था, इनका काम था सिनेमेटिक हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना। फिर जो डीएफएफ था हमारा, डीएफएफ की फुल फॉर्म थी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, इनका काम था इनको इंडियन फिल्म्स एंड कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना है। तो यहाँ हमारा आर्ट एंड कल्चर का न्यूज़ इन शॉर्ट कंप्लीट होता है। यूपीएससी की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में आपको जो भी कुछ कंटेंट मिलेगा उसमें 700 से ऊपर माइंड मैप्स हैं आपको स्टैटिक के, करंट अफेयर्स के, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से और सनसेट टीवी वगैरह से आते हैं। आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, चेकलिस्ट है, मेंस के क्वेश्चनियर वगैरह हैं, निमोनिक्स वगैरह हैं। तो मैंने हर एक चीज़ का सैंपल आपको दिखाया हुआ है इसी वीडियो में। सैंपल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर वो टाइम स्टैम्प है, उसको क्लिक करके आप सैंपल देख सकते हो, और डाउनलोड का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में ही है। इस बार मेंस 2021 में इस बुकलेट के हम लोगों ने जो माइंड मैप्स क्रिएट किए थे ना, उसमें से मोर देन 20+ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए थे, तो आराम से आप कवर कर सकते थे। तो डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए, बाकी डिटेल सारी वहाँ पर है। यूपीएससी की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में आपको जो भी कुछ कंटेंट मिलेगा उसमें 700 से ऊपर माइंड मैप्स हैं आपको स्टैटिक के, करंट अफेयर्स के, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से और सनसेट टीवी वगैरह से आते हैं। आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, चेकलिस्ट है, मेंस के क्वेश्चनियर वगैरह हैं, निमोनिक्स वगैरह हैं। तो मैंने हर एक चीज़ का सैंपल आपको दिखाया हुआ है इसी वीडियो में। सैंपल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर वो टाइम स्टैम्प है, उसको क्लिक करके आप सैंपल देख सकते हो, और डाउनलोड का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में ही है। इस बार मेंस 2021 में इस बुकलेट के हम लोगों ने जो माइंड मैप्स क्रिएट किए थे ना, उसमें से मोर देन 20+ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए थे, तो आराम से आप कवर कर सकते थे। तो डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए, बाकी डिटेल सारी वहाँ पर है। एथिक्स का टॉपिक हम लोग, मैं आप जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं यहाँ पर वीडियो में कवर नहीं करता, हम लोग ये जूम लाइब्रेरी पे कवर कर चुके हैं। और जब मेंस का एग्ज़ाम आता है तो उससे पहले दो दिन बैठ करके सारे कवर हो जाते हैं, लाइक साल में 12 से 15 टॉपिक्स होते हैं, वो एक दो दिन बैठ के कवर हो जाते हैं। सो ये वाला पार्ट यहाँ पर स्किप करते हैं, बट मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़, और इसमें सबसे पहले है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल एरिया के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रूरल हाउसहोल्ड्स में कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी कि 2.95 यानी कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ पक्के घर बनाने हैं जिनमें बेसिक अमेनिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, और बेनिफिशरीज को सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 का। मैंने एक बार पहले भी टॉपिक बताया था कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑलमोस्ट मतलब इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम किया गया था, उससे पहले ये जो सेंसस था ये इंडिपेंडेंस से पहले ही किया गया था। इम्प्लीमेंट करने के लिए आवास सॉफ्ट और आवास ऐप हैं, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह हैं। मिनिमम यूनिट हाउस जो होगा साइज़ का, यानी कि 25 स्क्वायर मीटर का मिलेगा आपको। कोई कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज नहीं किया जाएगा हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए। बेनिफिशरीज को लोन अवेलेबल कराया जा सकता है अप टू 70,000। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कल्याण गरीब अन्न योजना। कल्याण मतलब होता है वेलफेयर, गरीब इज़ पुअर, अन्न इज़ अन्न मतलब जो अन्न फूड को, ग्रेन को बोलते हैं अन्न, वैसे तो फूड भी कह सकते हो तो, पर ग्रेन जो होता है ना उसको अन्न बोलते हैं। सो ये आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम थी हमारी उसी का पार्ट है ये,
और फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए था। तो अप्रैल 2020 में ये लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम बन गया था वर्ल्ड का। नॉर्मली जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसके कोटा में एडिशनल 5 kg ऐड कर दिया गया था राशन पर मंथ। तो जब स्कीम को 2020 में अनाउंस किया गया था तो उस समय गवर्नमेंट ने दाल और मतलब ऑयल एंड पल्सेस भी यूज़ किए थे, उसके साथ में था प्लस 5 kg राइस या फिर वीट, दोनों में से कोई भी एक चीज़ पर पर्सन पर मंथ। हालांकि बाद में उसको लिमिट कर दिया गया था कि सिर्फ 5 kg राइस या फिर 5 kg वीट पर मंथ। तो पहले पल्सेस और ऑयल थे, बाद में उसको चेंज कर दिया गया था। बेनिफिट किसको मिलता है, जिनके पास जनरली जो माइग्रेंट लेबर वगैरह थे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे उन लोगों के लिए, और ये आता है वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंडर ही। एलिजिबिलिटी, तो जो लोग बीपीएल के फैमिलीज़ हैं वो, अंत्योदय अन्न योजना वाले और उसके अलावा जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स वाले हैं वो, आइडेंटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और विडोज़ वगैरह होती हैं, टर्मिनली इल होती विडोज़ और प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड्स हो गए, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, एंड जो भी एलिजिबल फैमिलीज HIV पॉजिटिव जो होती हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब एलिजिबल हैं इसके लिए। दैट्स इट, कम्प्लीट। UPSC की ऑल इन वन हैंडी बुकलेट में आपको जो भी कुछ कंटेंट मिलेगा उसमें 700 से ऊपर माइंड मैप्स हैं आपको स्टैटिक के, करंट अफेयर्स के, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से और सनसेट टीवी वगैरह से आते हैं। आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, चेकलिस्ट है, मीन्स के क्वेश्चनियर वगैरह हैं, निमोनिक्स वगैरह हैं। तो मैंने हर एक चीज़ का सैम्पल आपको दिखाया हुआ है इसी वीडियो में। सैम्पल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर वो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक करके आप सैम्पल देख सकते हो, और डाउनलोड का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में ही है। इस बार मेंस 2021 में इस बुकलेट के हम लोगों ने जो माइंड मैप्स क्रिएट किए थे ना, उसमें से मोर देन 20+ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए थे, तो आराम से आप कवर कर सकते थे। तो डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए, बाकी डिटेल्स सारी वहाँ पर हैं।